हाँ जी, तो हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में शायद हमने आमेर का इतिहास शुरू कर दिया था। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। हम कहते हैं कि जो कछवाहा डायनेस्टी के किंग्स थे या कछवाहा डायनेस्टी के जो लोग हैं वो भगवान राम के बेटे कुश के वंश है, इसलिए वास्तव में तो कुशवाहा है पर वो अपभ्रंश होता होता कछवाहा हो गया। रघुवंशी या इक्ष्वाकुवंशी सूर्यवंशी होने के कारण इन्हें रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। दुलाराय नाम का एक राजा पढ़ा था हमने, जो 1137 में नरवर से अपने यहाँ पर आता है और बड़ गुर्जरों को हराकर पहले दौसा पर कब्जा कर लेता है, उसके बाद वो मीणाओं को हराकर रामगढ़ पर कब्जा कर लेता है। रामगढ़ में अपने कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाता है, इसलिए उसको जमुआ रामगढ़ भी कहा जाता है। फिर काकिल देव 1207 में आमेर पर कब्जा कर लेता है, मीणाओं को हरा करी, और अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाता है यहाँ पर। कहते हैं आमेर का पुराना नाम अंबिकापुर हुआ करता था। फिर आपके बहरमल मजनू खां और चगताई खां की मदद से मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात करता है। 1562 में सांभर में मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करता है, और ऐसा करने वाला वो राजस्थान का पहला राजा था। अपनी बेटी हरखाबाई की शादी अकबर के साथ कर देता है। हरखाबाई की उपाधि मरियम उज्जमानी थी और जहांगीर जो था उसका बेटा था। फिर भगवंत दास 1569 में जब रणथंभौर में सुरजन को युद्ध करने के लिए गए थे अकबर, तो उस समय भगवंत दास और मान सिंह दोनों उसके साथ में थे। भगवंत दास के समझाने पर सुरजन अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। गुजरात में सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाने के कारण अकबर ने उसको आपके नगाड़ा और परचम देकर सम्मानित किया था। और फिर आपके वो अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर के साथ कर देता है। मानबाई की उपाधि साहिब बेगम रखी गई। खुसरो उसका बेटा था और शराब की आदतों से तंग आकर जहांगीर की शराब की आदतों से परेशान हो गई थी वो महिला, और उसने सुसाइड कर लिया था। फिर हम मानसिंह के बारे में पढ़ रहे थे। 1590 में जब उसका राज तिलक हुआ तो अकबर ने उसको 5,000 का मनसब दिया, लेकिन अकबर अपने मरते मरते 1605 में उसे 7,000 का मनसब दे गया था। अकबर के समय में किसी हिंदू राजा को सबसे बड़ा मनसब उसी का था। अकबर ने उसे काबुल, बंगाल और बिहार का सूबेदार बनाया था। काबुल में उसे मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में वो 1581 से 86 तक लगभग वहीं रहता है, और उसने 5 अफगान कबीले जिनमें रोशनिया यूसुफजई कबीले प्रमुख थे को हराता है। उसके बाद आमेर के झंडे का रंग पचरंगा कर दिया गया। इससे पहले आमेर का झंडा सफेद रंग का था जिसमें 6 टहनियों की एक झाड़ी थी, जिस वजह से उसे झाड़साई झंडा भी कहा जाता था। बिहार के अंदर जब उसे सूबेदार बनाया गया था तो बिहार में वो एक मानपुर नाम का नगर बसाता है। फिर बिहार में बैकटपुर के अंदर भवानी शंकर का मंदिर बनाता है। गया के अंदर वो महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाता है। इसी दौरान वो उड़ीसा जीतता है। उड़ीसा में नासिर खां और कतलू खां को हराता है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा कर लेता है। बंगाल में अपने नियंत्रण के दौरान उसने अकबर नगर या राजमहल जिसे आजकल कहा जाता है की स्थापना की। पूर्वी बंगाल या ढाका के राजा केदार को हरा कर वहां से शिला माता की मूर्ति लेकर आया और उसे आमेर के किले के अंदर लगवाया। शिला माता आमेर के कछवाहाओं की इष्ट देवी है। उसने आमेर में किले का निर्माण करवाया था। वृंदावन में गोविंद राधा गोविंद के मंदिर का निर्माण करवाया था। और उसकी जो रानी थी कनकावती, उसने अपने बेटे जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, जिसमें भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा किया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने उसके बेटे जगत सिंह को शिक्षा प्रदान की थी। पुंडरिक विठल नामक दरबारी उसके विद्वान उसके दरबार में था, जिसने रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और दुनी प्रकाश नामक पुस्तकें लिखी थी। और उसके दरबार में एक जगन्नाथ था जिसने आपके मानसिंह कीर्ति मुक्तावली नामक पुस्तक लिखी थी। उसी के दरबार में मान प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। कई लोगों ने अलग अलग ऐसे कविताएं वगैरह उसके दरबार में या रचनाएं वगैरह उसके दरबार में लिखी थी। फिर हम पढ़ रहे थे मानसिंह की उपाधियां और उसे फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। इसमें फरजंद का मतलब होता है बेटा मतलब। चलो हम आगे इसके बाद अन्य राजा कौन कौन थे और उनके बारे में पढ़ेंगे। हम एक राजा पढ़ रहे हैं मिर्जा राजा जयसिंह। आप पहले तो इसके सन पे ध्यान दीजिए। 1621 से लेके 1667 लगभग 46 साल का टाइम, 46 ईयर्स। यदि मैं इस बात को यूं कहूं कि आमेर के कछवाहा शासकों में मैक्सिमम रूलिंग पीरियड यदि किसी राजा का रहा था तो मिर्जा राजा जयसिंह सर्वाधिक लंबा शासनकाल। सबसे अधिक रूलिंग पीरियड इसी बंदे का था। अब याद रखने वाली बात ये कि जब इतना लंबा रूलिंग पीरियड रहा ना इसका, तो इस टाइम में कई मुगल बादशाह आगे चले गए।
जैसे जब ये बना था तब मुगल बादशाह था जहांगीर, फिर मुगल बादशाह हो गया था शाहजहां, और फिर मुगल बादशाह आ गया था औरंगजेब। तो इसने तीन मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। कोई पूछे कि मिर्जा राजा जयसिंह का कार्यकाल किन किन मुगल बादशाहों के समकालीन गुजरा था, तो तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन ये रहा था, उनके कंटेम्प्ररी रहा था। कहते हैं जहांगीर ने जैसे ये राजा बना था, राजा बनने के बाद इसको साउथ इंडिया में भेजा था। साउथ इंडिया के अंदर एक रियासत पड़ती थी अहमदनगर, अहमदनगर नामक रियासत थी, और वहां का कोई बंदा मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था, मलिक अंबर। आप जब मिडाइवल पढ़ोगे तो मलिक अंबर के बारे में और बातें पढ़ोगे। तो मलिक अंबर के खिलाफ यदि किसी को भेजा गया था तो वो मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया था। तो याद रखना कि अहमदनगर में मलिक अंबर के खिलाफ किसको भेजा गया था। अहमदनगर एक राज्य था साउथ इंडिया में, मलिक अंबर वहां पर मुगलों के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, अहमदनगर का प्रमुख मंत्री हुआ करता था ये, और जहांगीर मिर्जा राजा जयसिंह को इसे दबाने के लिए भेजता है। शाहजहां के साथ में मिर्जा राजा जयसिंह की और ज्यादा अच्छी बनती थी। शाहजहां ने इसको कंधार अभियान पर भेजा था, कई और विद्रोह भी दबाए थे पर अपने मुख्यतः ये कंधार, अफगानिस्तान, कंधार कैंपेन जो था उसके अंदर इसको भेजा था, और तभी इसको ये उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा। दोनों बातें याद रखने वाली। कोई पूछे कि इसे मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। कौन से अभियान पर भेजते समय दी थी, तो कंधार अभियान पर भेजते समय दी थी। लंबे टाइम तक रहा था वहां कंधार के अंदर भी, और मैं जब कोटा पढ़ा रहा था तो मैंने माधो सिंह में बताया था कि माधो सिंह ने मध्य एशिया में बल्ख नाम की जो जगह थी वहां पर कब्जा कर लिया था, और मुराद वापस आ गया था, तो औरंगजेब को बाद रफ्तार घोड़ा देकर भेजा गया था। कहते हैं कि वहां पर औरंगजेब और माधो सिंह दोनों फंस गए थे, और मध्य एशिया के जो राजा थे उन्होंने घेर लिया था इनको चारों तरफ से। काब निकले कैसे, तो मिर्जा राजा जयसिंह गया था और उस घेरे को तोड़ते हुए अपनी पूरी सेना को एकदम सुरक्षित लेके आ गया था। बिहारी जी का एक बहुत अच्छा दोहा ही है, मैं दोहा तो बोल रहा हूँ पर उसमें है कि हिंदुओं तथा मुस्लिमों की समस्त औरतें सवाई जयसिंह को आशीष देगी कि वो इनकी चूड़ियों की रक्षा कर कर लाया था। वाकई यूं योद्धा आदमी था इस मामले में। तो शाहजहां ने इसको कंधार अभियान पर भेज दिया था। फिर अपने याद रखने वाली बात कि शाहजहां के बेटों में जब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, मैं थोड़ा अलग से एक पेज लेके समझाऊंगा आपको कि शाहजहां के बेटों में जब सक्सेशन स्ट्रगल हुआ, जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, तो पांच युद्ध हुए थे। वैसे तो मिडाइवल पढ़ोगे तो वहां पे ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, फिर भी मैं थोड़ा बता दूं। बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामुगढ़ का युद्ध, सॉरी खजुआ का युद्ध और दौराई का युद्ध, ये पांच युद्ध हुए थे। कहते हैं इसके अंदर बहादुरपुर का जो युद्ध था वो सुजा और दारा सिको के बीच में था। दारा सिको है जो कि शाहजहां का प्रिय पुत्र था, शाहजहां जिसे राजा बनाना चाहता था, सुजा जिसको बंगाल में गवर्नर बनाया हुआ था, शाहजहां का एक और बेटा था। इन दोनों भाइयों भाइयों के बीच में लड़ाई होती है। इसमें दारा का सेनापति यही था मिर्जा राजा जयसिंह ही था, और जीतता इस युद्ध। ये तो दारा का खुद का बेटा सुलेमान सिको और मिर्जा राजा जयसिंह इस युद्ध के अंदर गए थे और ये जीत गए थे इस युद्ध को। धर्मत वाला युद्ध मेरा पढ़ाया हुआ आपको कि एक तरफ तो दारा और दूसरी तरफ आपके औरंगजेब, और औरंगजेब का एक और भाई जो था मुराद वो इसमें थे। और मैंने बताया था कि इसमें जो दारा की तरफ से सेनापति गया था वो अपने मारवाड़ वाला जसवंत सिंह था। जसवंत सिंह इसमें गया था। इसकी तमाम बातें अपनी पढ़ी हुई है। कासिम खान था, कासिम खान औरंगजेब की तरफ जाकर मिल जाता है, इसलिए जसवंत सिंह जब घायल हो गया था युद्ध के अंदर तो यहाँ से वापस आ गया था, और उसकी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। हमने इसी में और पढ़ा था कि कोटा वाला जो मुकुंद सिंह था वो इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ मारा गया था। पढ़ते हैं हम। तो अब यहाँ और यहाँ दारा जीतता है, यहाँ पे औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब जीत गया तो सामूगढ़ में वापस दारा के और औरंगजेब के बीच में युद्ध होता है। एक युद्ध जीत के औरंगजेब आगे बढ़ा तो वापस सेना भेजी गई। इसमें बाद में इनके अंदर ये थे नहीं, आपके मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह दोनों ही नहीं थे।
इसके अंदर हालांकि अपना जो लड़ रहा था शत्रुसाल, बूंदी का एक राजा था शत्रुसाल, वो इस युद्ध में लड़ता हुआ मरा था, याद रखे तो आप याद रख लेना, शत्रुसाल इस युद्ध के अंदर मारा गया था, बूंदी का राजा था सामुगढ़ युद्ध में, वो जरूर थे बूंदी कोटा वाले, हाड़ा जरूर लड़े थे। या हम वो बीकानेर वालों के बारे में पढ़ते हैं कि वो पद्म सिंगर केसरी सिंगर जो कर्ण सिंह के बेटे थे वो इस सामुगढ़ वाले युद्ध में लड़े थे। सामुगढ़ वाले में वापस औरंगजेब जीत गया। जब सामुगढ़ वाले में औरंगजेब जीत गया तब निश्चित हो गया था कि अगला राजा कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा। तो मिर्जा राजा जय सिंह जो पहले दारा की तरफ से लड़ रहा था, दारा जब सामुगढ़ वाले युद्ध के बाद में यहाँ से भाग जाता है तो मिर्जा राजा जय सिंह आके औरंगजेब से मिल गया था। दोर लोग खिलाफ, दसवंत सिंह खिलाफ, मिर्जा राजा जय सिंह खिलाफ, दोनों औरंगजेब के खिलाफ ही लड़ रहे थे, दारा की सपोर्ट में लड़ रहे थे, और जसवंत सिंह तो बाकायदा औरंगजेब के खिलाफ युद्ध ही लड़ गया था। जब मिर्जा राजा जय सिंह सामुगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब से मिल जाता है तो औरंगजेब ने उसको कहा यार उसको और ला, तो जसवंत सिंह को और लेके आ। तो बाद में मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह भी इसे जाकर मिल जाता है। हालांकि फिर मैंने आपको बात बताई थी कि जसवंत सिंह मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर सामुगढ़ युद्ध के बाद में मिल तो जाता है, पहले मिर्जा राजा जय सिंह मिला फिर जाके जसवंत सिंह भी मिल जाता है, पर उसका औरंगजेब के साथ में इतना मन बना ही नहीं। और जब ये खजवा वाला युद्ध हुआ जो औरंगजेब और सुजा के बीच में होता है, औरंगजेब और सुजा के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में तो औरंगजेब उसको बुलाता है जसवंत सिंह आजा लड़ने के लिए, वो औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए भी जाता है, पर उसकी औरंगजेब के साथ पटरी बैठती नहीं है और वो उधर सुजा से बातचीत करता है और वो कहता है कि तुम जब इधर आक्रमण करोगे तो मैं औरंगजेब की सेना में आक्रमण कर दूंगा, यहाँ पे औरंगजेब के कैंप लूट लेता हूँ। और जसवंत सिंह ने औरंगजेब की सेना के कैंप लूटे और वहां से चुपचाप आ गया। कहते हैं ये एक तरीके से सुजा को उसकी इनडायरेक्टली हेल्प ही थी अपने आप में। फिर फाइनली दोराई वाला युद्ध हुआ, दोराई में वापस अजमेर के पास में अपने दोराई नाम की जगह पड़ती है, यहां पर दारा और औरंगजेब फिर लड़े। इस युद्ध में हालांकि जसवंत सिंह तो आया ही नहीं था, मिर्जा राजा जय सिंह जो था वो फिर औरंगजेब की तरफ से लड़ता है, क्योंकि अब निश्चित हो ही गया था कि साहब औरंगजेब राजा बनेगा। इस युद्ध के बाद में दारा को पकड़ लिया गया था, दारा को पकड़ के मिर्जा राजा जय सिंह का एक किला हुआ करता था कंकनबाड़ी, हम किले पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, अलवर में कंकनबाड़ी का किला था सरिस्का के अभ्यारण में, उस कंकनबाड़ी के किले में इसको रखा गया था दारा को, और बाद में औरंगजेब ने इसको मार दिया था। औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मार दिया था, फादर को गिरफ्तारी कर लिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने ये बात इसलिए बता दी आपको, मुझे याद है थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि सामुगढ़ युद्ध के बाद में और औरंगजेब से सबसे पहले राजस्थान का कौन सा राजा जाकर मिल गया था, तो मिर्जा राजा जय सिंह मिला था। खूब सारे स्टूडेंट के उस समय मेरे पास फोन है कि सर जसवंत सिंह मिल गया था ना, जसवंत सिंह मिल गया था ना, नहीं भाई जसवंत सिंह को बाद में मिर्जा राजा जय सिंह ही लेके गया था, पहले ये दोनों ही दारा की तरफ थे, पर जब दारा हार जाता है युद्धों में तो ये औरंगजेब की तरफ आते हैं, और सामुगढ़ युद्ध के बाद तो औरंगजेब अपना राजतिलक वगैरह ही करवा लेता है तो ये औरंगजेब की तरफ आए, और बाद में मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर जसवंत सिंह आया। हालांकि खजवा वाले युद्ध के बाद में वापस इनकी तो बननी बंद हो गई थी जसवंत सिंह की और औरंगजेब की, जसवंत सिंह औरंगजेब के डेरे लूट के वापस चला गया, फिर वापस मिर्जा राजा जय सिंह ने इनके बीच समझौता करवाया था, और फिर वापस जब समझौता करवाया तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को साउथ में भेज दिया था। फिर मैंने कई बात बताई थी कि साउथ में शिवाजी के खिलाफ भेजा था, पर औरंगजेब को ऐसी सूचनाएं मिली कि जसवंत सिंह का शिवाजी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो साइस्ता खान पर तो जो हमला करवाया जाता है उसके लिए कहा गया कि जसवंत सिंह और दुर्गादास राठौड़ ने मिलकर ये हमला करवाया, ये मिली भगत थी शिवाजी के साथ, इसलिए औरंगजेब ने जसवंत सिंह का ट्रांसफर तो ठेठ काबुल किया और फिर वापस आने नहीं दिया। हमने पढ़ा कि काबुल में वो मर ही गया था, और फिर औरंगजेब तो इस बात से उसका मन इतना ही खट्टा था ज्यादा कि उसने बाद में जसवंत सिंह के मरने के बाद तो जोधपुर को खालसा ही कर दिया था, और उसके बेटे अजीत सिंह को 30 साल तक राजा ही नहीं बनने दिया था। ये तमाम बातें हम पढ़ चुके थे। और जब जसवंत सिंह को यहाँ साउथ से वापस काबुल भेज दिया गया था तो हम पढ़ेंगे कि बाद में जसवंत सिंह की जगह चार्ज लेने के लिए मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था कि तू चला जा। तो मैंने ये इसलिए थोड़े से युद्ध वगैरह बता दिए ताकि आपकी थोड़ी सी बात याद रहे, शत्रुसाल वाली बात भी याद रख लेना, इस बहाने रह जाएगी कि सामुगढ़ के युद्ध के अंदर वो लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये 5 युद्ध है, मिडिवल पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, यहाँ राजस्थान में मैंने इतने खुल के नहीं बताए, वहां पे और ज्यादा अच्छे से बता दिए जाएंगे कि अपने काम के नहीं है, मिडिवल में काम के आते हैं। मैं वापस अपने इसी पे आता हूँ। हम मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ रहे थे, जहांगीर उसे अहमदनगर में मलिक अंबर के खिलाफ भेजता है साउथ में, शाहजहां ने उसे कंधार अभियान पर भेजा, उस समय उसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। फिर शाहजहां के बेटों में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था उसकी तमाम जानकारी हमने ले ली। औरंगजेब ने बाद में, अभी मैंने बताया कि पहले साउथ में शिवाजी को दबाने के लिए जसवंत सिंह को भेजा गया था, पर बाद में जब लगा
औरंगजेब को कि नहीं जसवंत सिंह शिवाजी को दबा भी नहीं पा रहा है, उल्टा शिवाजी के खिलाफ इसका सॉफ्ट कॉर्नर और है। इस चक्कर में उसने जसवंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया काबुल और यहां पर मिर्जा राजा जय सिंह को भेज दिया था, तो इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा गया था। तो दो तीन बातें याद रखनी है भाई, है ना। कोई पूछ ले आपसे कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, तो याद रखना कि शाहजहां ने उसको मिर्जा राजा की उपाधि दी। शिवाजी के खिलाफ किसने भेजा, तो शिवाजी के खिलाफ किसने भेजा था, औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। शिवाजी शिवाजी बड़ा योद्धा आदमी हुआ, उस समय टक्कर दे रहा था, भयंकर वाली टक्कर दे रहा था आपके औरंगजेब को। और औरंगजेब का राज्य चारों तरफ से उस समय विद्रोहों से घिरा हुआ था। साउथ में मराठे नहीं मान रहे थे शिवाजी के नेतृत्व में, इधर मारवाड़ दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में पूरा लगा हुआ था, उधर से जो सिख थे वो आपके गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में उधर लगे हुए थे, इधर भरतपुर में जाटों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। चारों तरफ औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह ही हो रहे थे। साउथ में औरंगजेब इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहा था कि साउथ के अंदर जो शिवाजी था नए नए पनपे थे वहां पर, और वहां पर जो पुरानी रियासतें थी बीजापुर गोलकुंडा वो भी कहीं ना कहीं विद्रोह में शामिल रहती थी, अहमदनगर वगैरह ये रियासतें। तो उसको लगा यार साउथ वाला मामला निपटाना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। फिर उसका बेटा अकबर भी भाग के साउथ गया था शिवाजी के मरने के बाद, हालांकि वो तो संभाजी के खिलाफ गया था, पर मराठे ज्यादा बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे थे, इसलिए औरंगजेब अपना बेचारा पूरा जोर लगाता ही है वहां साउथ के अंदर। उसने अपने बेहतरीन बेहतरीन कमांडर उतारे, तो पहले उसने जसवंत सिंह उतारा, पर जसवंत सिंह वाला मैंने बताया कि उसको थोड़ा संदेह हुआ तो उसने मिर्जा राजा जय सिंह को भेज दिया। मिर्जा राजा जय सिंह जितना शानदार योद्धा था उतना अच्छा कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट था, और कहते हैं पहले तो शिवाजी की चारों तरफ से सहायता जो भी आती थी वो शिवाजी की सहायताएं रुकवा थी, चारों तरफ से उसकी सहायता वगैरह रुकवाई गई ताकि शिवाजी अकेला पड़ जाए। और वो एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसमें मिर्जा राजा जय सिंह कहता है कि हम शिवाजी को वृत्त की बिंदु की तरह घेर लेंगे। इस पर वृत्त में बीच में बिंदु होता है उसके केंद्र, केंद्र चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसी प्रकार मैं शिवाजी को घेर लूंगा। और उसने वाकई शिवाजी को घेर लिया। फिर फाइनली उसने शिवाजी के पास मैसेज किया कि शिवाजी तुम्हारे खिलाफ दो ही रास्ते हैं, या तो मेरे साथ संधि कर ले या मैं तुझे मार दूंगा, इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं। फाइनली शिवाजी संधि करने के लिए तैयार हो गए, और शिवाजी मुगलों से एक ही बार वो संधि करते हैं, वो पुरंदर की संधि है। वैसे मिडाइवल में ये भी आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, 11 जून 1665 को शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में संधि होती है। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह संधि करते, हालांकि मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो इसके अंदर औरंगजेब का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब का प्रतिनिधि था इस संधि के अंदर। मिडाइवल में और पढ़ोगे, पर मैं मोटा मोटा सा बात बताऊं तो ये थी कि संधि में शिवाजी के पास 35 किले हुआ करते थे, लेकिन शिवाजी ने 23 किले देने स्वीकार कर लिए थे अपने, केवल शिवाजी के पास में उसके बाद 12 किले बचे थे। और वही अपने मेवाड़ वालों की सी बात की, शिवाजी ने कहा भाई मैं तो मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा, रेगुलर वहां पर नहीं रहूंगा, पर मेरा बेटा संभाजी मुगल दरबार में चला जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि संभाजी को हम 5,000 का मनसबदार बनवा देंगे। मैंने बताया था 5,000 बड़ी मनसबदारी हुआ करती थी, पर जब भी मुगल बादशाह बुलाए तब शिवाजी को भी उपस्थित होना पड़ेगा। शिवाजी ने कहा ठीक, और मिर्जा राजा जय सिंह उसे समझाने में कामयाब हो गया कि वरना लंबी लड़ाइयां चलेगी, पार पड़ेगी नहीं, वरना संधि कर ले ताकि औरंगजेब की तरफ से तेरा खतरा निश्चित हो जाएगा, फिर इन साउथ वालों से लड़ते रहना और साउथ में तेरी बना लेना ढंग से एकदम। शिवाजी ने कहा ठीक है भाई आप कह रहे हो, तो वो मिर्जा राजा जय सिंह के विश्वास के अंदर था, उसको विश्वास में लिया। बाकायदा 3 दिन तक रहे थे शिवाजी वहां पर मिर्जा राजा जय सिंह के पास में, यथोचित सत्कार के साथ मिर्जा राजा जय सिंह ने रखा। फिर कहा कि शिवाजी एक काम और करो, आप बताओ क्या किया जाए। तो कहा आप आगरा जाके एक बार औरंगजेब से और मुलाकात कर लो, और ये जो संधि हुई है फाइनल वहां कर लो, हालांकि मैं उसी की तरफ से आया हूँ, ये बातचीत मैंने की है, पर आमने सामने आपकी बात हो जाए तो ज्यादा ठीक रहे। शिवाजी ने कहा ठीक। उधर मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब को लेटर लिख के कहा कि शिवाजी राजे संधि के लिए तैयार हो गए हैं, पर बड़ा राजा है, समान स्वागत सत्कार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, यथोचित स्थान दिया जाना चाहिए इस व्यक्ति को। अपने बेटे राम सिंह को लिखा कि राम सिंह जी शिवाजी तेरे पास में आएंगे, इनको दरबार में लेके जाना, वहां औरंगजेब से बात करवा देना, और तू भी ध्यान रखना। राम सिंह ने कहा ठीक है पापा कोई दिक्कत ही नहीं।
पर औरंगजेब शातिर धूर्त घाग आदमी था। और कहते हैं जब शिवाजी उसके दरबार में पहुंचे तो उसने शिवाजी का कोई सम्मान नहीं किया, उल्टा शिवाजी को एक तरीके से अपमानित किया गया वहां पर। शिवाजी को इससे बहुत बुरा लगा और शिवाजी मुगल दरबार से वापस आ जाते हैं। राम सिंह की हवेली में वहां पर जहां रुके हुए थे, कहते हैं औरंगजेब उनको गिरफ्तार कर लेता है। औरंगजेब ने कहा अब इसको वापस नहीं जाने देना। मिर्जा राजा जयसिंह को यह बहुत बुरा लगा और मिर्जा राजा जयसिंह को लगा कि यार मेरे कहने पे वो आदमी औरंगजेब के पास गया था, आज उसको औरंगजेब ने वहां गिरफ्तार कर लिया तो क्या सोचता होगा बैठ के वहां पर, कि उस मंगते के चक्कर में नहीं आता तो कम से कम गिरफ्तार तो नहीं होता, मेरी लड़ाई चलती रहती, लड़ाई करते रहते। पर यह उस आदमी के साथ गलत हुआ। और कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने बेटे राम सिंह को मैसेज किया कि बेटे राम सिंह साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारे जो भी हो शिवाजी बाहर आना चाहिए। फिर आगे की कहानियां हम मिडिवल में मराठा इतिहास में और पढ़ते हैं कि किस प्रकार शिवाजी वहां से फलों की टोकरी में बैठकर निकल गए थे। कहते हैं उनको निकालने में राम सिंह का सबसे बड़ा हाथ था। राम सिंह एक दिन वो शिवाजी जहां पर थे तो उसकी निगरानी वगैरह राम सिंह को ही दी हुई थी और राम सिंह ने एक दिन जाके गेट वेट खोल दिया और कहा अंकल ये फलों वाली टोकरी में बैठ के फरार हो जाओ अपने। अंकल वहां से बैठे जो ठेठ अपने साउथ में जाके रुके थे, उसके बाद वापस आए नहीं थे। उसके बाद दोबारा शिवाजी ने कभी मुगलों पर विश्वास ही नहीं किया और दोबारा उन्होंने संधि कोई प्रयास नहीं किया। समझने वाली बात यह है कि शिवाजी को संधि के लिए राजी करने वाला और शिवाजी को भगाने वाला दोनों कोई राजा था तो मिर्जा राजा जयसिंह था। औरंगजेब इस बात से भी बड़ा कुपित होता है कि यार फिर राम सिंह ने और मिर्जा राजा जयसिंह ने मिलके शिवाजी को भगवा दिया। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में मिर्जा राजा जयसिंह की साउथ इंडिया में मृत्यु हुई थी और उनके मृत्यु कारण जहर माना गया था। अरे मिर्जा राजा जयसिंह का जो रसोईया था उसको औरंगजेब ने अपनी तरफ मिला लिया था और कहा कि इसके खाने में थोड़ा जहर दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे उसके बीमारियां हो गई उस जहर की वजह से, उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वो राम सिंह से भी बहुत नाराज था औरंगजेब। और जैसे ही उधर जसवंत सिंह की काबुल के अंदर मृत्यु होती है तो काबुल में भी किसी ना किसी नए बंदे को भेजना था, उसने राम सिंह को भेज दिया था और वापस राम सिंह को इधर जयपुर की तरफ तो आने नहीं दिया था। और कहा भी जाता है कि वे राजा जिनसे मुगलों को डर लगता था, वे मनसबदार जिनसे मुगलों को खतरा रहता था, यार ये अपने लिए कभी खतरे का काम कर सकते हैं। उनकी पोस्टिंग हमेशा ही काबुल कर दी जाती, काबुल बंगाल ऐसी जगह पोस्टिंगें की जाती, क्योंकि डर किन से लगेगा जो थोड़े बहादुर राजा होंगे। एक तो बहादुर राजा को बॉर्डर पे रखोगे तो आपको बॉर्डर को सेफ रखेगा, दूसरा उसके विद्रोह करने की संभावना समाप्त हो जाएगी कि यदि उसको उसके राज्य के आसपास रखा, कि राम सिंह आमेर का आमेर के आसपास रखे, जसवंत सिंह जोधपुर का उसको जोधपुर के आसपास रखे, तो राज्य के आसपास व्यक्ति की शक्तियां ज्यादा होती है, उसकी सेना ज्यादा होती है, विद्रोह करे तो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वरना काबुल में बैठ के विद्रोह भी कर देगा तो वहां से दिल्ली या आगरा आते आते तो बीच में आपका विद्रोह कहीं दबा लिया जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम सिस्टम है कि आज भी कोई जयपुर में किसी कर्मचारी की पोस्टिंग हो और वो जयपुर में कर्मचारी अपने सीनियर की ना माने तो अभी भी धमकियां दी जाती है कि जैसलमेर बाड़मेर देखा है, डूंगरपुर गए हो कभी, मतलब आज भी कोई बगावती तेवर वाला बंदा होता है तो उसकी पोस्टिंग ठेठ बॉर्डर एरियाज के अंदर कर दी जाती है। ये पहले भी हुआ करता था। तो ये याद रखना भाई, पुरंदर की संधि अपने 11 जून 1665 शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच, मिर्जा राजा जयसिंह इसमें औरंगजेब के प्रतिनिधि थे। कहा गया कि शिवाजी के पास जो 35 किले हैं, किले मतलब फोर्ट गढ़, इनमें से 23 मुगलों को दे दिए जाएंगे और शिवाजी के बेटे संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बना दिया जाएगा। आगे की कहानी मैंने बताई कि उसको आगरा में औरंगजेब गिरफ्तार करने की कोशिश करता है पर इसके बेटे राम सिंह की मदद से शिवाजी वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। ये एक फोटो है, पेंटिंग है कोई, इसमें ये शिवाजी है और ये मिर्जा राजा जयसिंह है। ये पुरंदर की संधि की फोटो है जिसके अंदर मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी का स्वागत कर रहे हैं। मनुची लिखता है, इटली का एक यात्री था निकोलो मनुची, जो अपनी पुस्तक स्टोरियो डी मोगोर में लिखता है, वो समय वहां साथ के अंदर था, लाइव डिस्क्रिप्शन देता कि जब शिवाजी दरबार में आए तो मिर्जा राजा जयसिंह ने उन्हें कस के अपने गले लगाया, 3 दिन तक अपने यथोचित सत्कार में रखा। हालांकि मनुची तो यह भी कहता है कि 3 दिन तक उन्होंने बैठकर औरंगजेब के खिलाफ रणनीतियां बनाई थी। हिंदू राजा एक हो रहे थे, हिंदू एकता का हवाला दिया जा रहा था, ऐसा मनुची लिखता है। वो उस समय वहां पर था इसलिए उसकी बात में कहीं ना कहीं सत्यता भी नजर आती है। और कालांतर में जब हम देखते हैं कि शिवाजी द्वारा औरंगजेब को वहां पे गिरफ्तार किया जाना, औरंगजेब द्वारा शिवाजी को गिरफ्तार किया जाना, औरंगजेब द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह के खिलाफ नीति अपनाने की,
जहर दिया जाना उसको, उसके बेटे राम सिंह को ठेठ वहां काबुल के अंदर भेज देना, इनसे भी लगता है कि यार औरंगजेब को कहीं ना कहीं इनके प्रति डाउट हो गया होगा, इसीलिए औरंगजेब ने उनके प्रति ऐसी नीति अपना ली थी। कितनी सच्ची कितनी झूठी बातें होगी, पर ये संधि का अच्छा सा फोटो है, पुरंदर की संधि। ये मनुची, निकोलो मनुची, जो कि एक इटालियन ट्रेवलर था, मुगल दरबार में रहा था, टोपची हुआ करता था ये, और उत्तराधिकार युद्धों का बहुत अच्छा वर्णन किया, जिसने पुस्तक लिखी थी स्टोरियो डी मोगोर्स, निकोलो मनुची की पुस्तक आई। एक बार पहले भी मैं कहीं पर इसका वर्णन और कर चुका था, आप देखना पुरानी किसी जगह पर भी मैंने इसका वर्णन किया है। तो ये मनुची के बारे में, ये मिर्जा राजा जयसिंह थे। मिर्जा राजा जयसिंह न केवल एक योद्धा थे, एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, उतने अच्छे विद्वानों को संरक्षण देने वाले थे। हिंदी के महानतम कवियों में से एक बिहारी जी उन्हीं के दरबार में रहा करते थे, जिन्होंने अपनी एक महानतम पुस्तक लिखी थी बिहारी सतसई। आप में से जिन जिनके पास हिंदी लिटरेचर रही होगी उनको बिहारी जी याद आए होंगे, उनकी बिहारी सतसई याद आई होगी। सतसई का मतलब होता है इसमें 700 दोहे होते हैं, उसको सतसई कहा जाता है, पर इसमें थोड़े से ज्यादा है, 713 दोहे हैं। 713 दोहों का एक संग्रह है जिसमें भक्ति और श्रृंगार से संबंधित दोहे बताए जाते हैं। ज्यादातर जो है जो भक्ति रस और श्रृंगार रस से संबंधित, हिंदी के महानतम कवियों में से एक रहे हैं बिहारी जी, जो यहीं इसी के दरबार में हुआ करते थे। एक बिहारी जी के भांजे थे कुलपति मिश्र। मिर्जा राजा जयसिंह जब साउथ में एक लंबे टाइम तक रहे थे तो वहां पर कुलपति मिश्र इनके साथ थे। 52 किताबें लिखी इस बंदे ने, और इन 52 पुस्तकों से जो साउथ कैंपेन हुआ है मिर्जा राजा जयसिंह का, उसी की जानकारी है, दक्षिण अभियान की जानकारी मिलती है। कोई पूछे कि मिर्जा राजा जयसिंह के साउथ अटैक की जानकारी कौन सा लेखक देता है, तो कुलपति मिश्र देते हैं। और कुलपति मिश्र ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो 52 किताबें लिखी अलग अलग, जिनमें साउथ की जानकारी मिलती है। बिहारी जी के भांजे हुआ करते। एक विद्वान और थे राय कवि, जिन्होंने जयसिंह पर एक किताब लिखी, जयसिंह चरित्र। हम पढ़ते हैं कि कवि मुरारी जो थे वो तो मानसिंह पर लिखते हैं, मानसिंह चरित्र और राय कवि ने लिखे थे जयसिंह चरित्र। तो याद रखना भाई, बिहारी जी ने, बिहारी जी वाली ज्यादा याद रखना। कोई तो पूछेगा आपसे कि हिंदी के प्रख्यात कवि, फेमस स्कॉलर ऑफ हिंदी बिहारी जी किसके दरबार में रहा करते थे, तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। बिहारी सतसई नामक 713 दोहों की उनकी पुस्तक, जो कि भक्ति और श्रृंगार रस से आपको सरोबार करके रख देती। उनके भांजे कुलपति मिश्र, जिनकी 52 पुस्तकों में मिर्जा राजा जयसिंह के साउथ कैंपेन की जानकारियां मिलती है, और जो राय कवि है वो जयसिंह चरित्र नामक बुक लिखते हैं। ये बिहारी सतसई का हमने फोटो लगाया ताकि आप देख लो, ताकि फोटो से थोड़ा ज्यादा याद रह जाता है। तो महाकवि बिहारी कवि जी, बिहारी जी के नाम के आगे महाकवि लगाया, कवियों में बड़े कवि हुए हैं वो। किसी ने बिहारी जी के दोहे, जो बिहारी सतसई के दोहे हैं उसके बारे में किसी दूसरे का कवि का एक दोहा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे दोहे जो नावक के तीर, नावक तीर बनाने वाले को नावक कहा करते थे, जो तीर बनाया करता था, तो कोई नावक था जो तीर बनाता, तो तीर तो छोटे छोटे थे पर जाकर लगते तो घाव बहुत करते थे। तो जिस प्रकार नावक के छोटे तीर घाव ज्यादा करते थे, उसी प्रकार सतसई के दोहे हैं, देखने में छोटे लगे, जो दिखने में तो छोटे छोटे हैं पर घाव करे गंभीर। खूब सारे 713 दोहे हैं उसके अंदर। हालांकि मेरा कभी हिंदी लिटरेचर में इतना रुझान नहीं रहा, राजस्थानी लिटरेचर में रुझान ज्यादा रहा, इसलिए राजस्थानी के खूब सारे दोहे याद हैं मुझे। अक्सर आपके सामने कोई आता है तो मैं सुना भी देता हूँ, पर मुझे बिहारी जी का एक दोहा हमेशा याद रहा, सतसई का। वैसे तो बिहारी जी का एक और फेमस दोहा जो अभी मैं बात करूंगा वो बताऊंगा आपको, पर एक बिहारी जी का दोहा है जो मुझे बहुत याद रहा, जो हम 5वीं तक की क्लास में बोला करते थे, मैं उसकी भी बात करूंगा अभी आपको। पहले मैं दोहे पर आता हूँ। एक दोहा है कि करी फुलेल को आचमन मिठो कहत सराही, रे गंधी मती अंध तू इतर दिखावत काही। दोहे का भावार्थ यह है, करी फुलेल को आचमन, फुलेल मतलब होता है सेंट, इत्र, आचमन मतलब होता है चखना, गंधी सेंट बेचने वाले, इत्र बेचने वाले, गंध बेचने वाले को गंधी कहते थे। इसी से धीरे धीरे आपका गंधी बना है सरनेम, एग्जैक्टली गंधी सरनेम हुआ करता था, और गंधी का मतलब है गंध बेचने वाला, सेंट बेचने वाला, इत्र बेचने वाला। ये कोई सेंट बेचने वाला है, इत्र बेचने वाला है, वो किसी एक ऐसे गांव में इत्र बेचने के लिए जाता है जहां पर उस इत्र के बारे में कोई जानता नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कि सेंट नाम की खुशबूदार कोई चीज भी होती है जो लगाई जाती है।
अब लोगों को बेचे कैसे? उसने आवाज लगाई कि इत्र ले लो, फुलेल ले लो, इत्र ले लो। फुलेल का मतलब इत्र ही होता है, फूलों से बना हुआ रस, तो फुलेल, इत्र ले लो। और कोई ग्रामीण आया, उसने कहा दिखाओ भाई साहब कैसा है। और उस गंधी ने, उस इत्र बेचने वाले ने अपनी सीसी से दो बूंद लेके उसकी हाथ पर डाली, हथेली पर डाली कि देखो कैसा है। होना क्या चाहिए कि उसको सूंघे और सूंघ के उसकी खुशबू देखे कि कैसा है कैसा नहीं है। पर वह व्यक्ति जिसको पता ही नहीं कि इत्र का उपयोग क्या होता है, उसको चखता है, जीभ लगाता है उसके, और जीभ लगा कहता है जोरदार मीठा है। तो कवि कहते हैं कि करी फुलेल को आचमन, आचमन मतलब चखना, कि इत्र को चखने के बाद मिठो कहत सराही, मीठा कहकर उसकी सराहना की, अरे गंधी मती आंदे तू। वो कहते हैं कि हे गंधी, हे गंध बेचने वाले, मती अंध हो गया है, मती अंधी हुई है तेरी, भ्रष्ट हुई है तेरी मती, इत्र दिखावत का ही। तो उन लोगों को इत्र क्यों दिखा रहा है जो इसके बारे में जानते नहीं है। भावार्थ यह है कि कोई भी चीज उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो उसके योग्य हो, भले ही वो धन हो, भले ही वो विद्या हो। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को देते हो जो कुपात्र है, सुपात्र नहीं है, वो वस्तु नहीं ले सकता है, तो उसका कोई मोल, कोई योग नहीं है। इसलिए प्रत्येक वस्तु उसके सुपात्र को मिलनी चाहिए, कुपात्र को नहीं मिलनी चाहिए। तो अच्छा सा दोहा है, करी फुलेल को आचमन, मीठो कहते सराई, रे गंधी मती अंध तू, इतर दिखावत का ही। आप में से जिनके पास हिंदी लिटरेचर रहा होगा उनको और भी दोहे आते होंगे। मुझे ये दोहा इसलिए याद कि प्राइमरी स्कूल में जब मैं गांव के अंदर पढ़ा करता था, गवर्नमेंट स्कूल हुआ करती थी, वैसी गवर्नमेंट स्कूल जो आप लोगों ने भी पढ़ाई की होगी कि पांचवीं तक की स्कूल और दो कमरे, बाकी की तीन क्लासें जो थी वो किंकर की छाया के अंदर लगा करती थी, जिन पे टाट बोरी अपने घर से ले जानी पड़ती थी और बोर्ड को टांग के रखा जाता था वहां पर, वैसी हमारी स्कूल हुआ करती थी। पर मुझे हमेशा लगता है कि मेरी सबसे बेहतरीन पढ़ाई उस पांचवीं तक की शिक्षा के दौरान हुई है, उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हुई है। उसके बाद की तमाम कॉलेज से पहले की पढ़ाई जो हमारे आसपास के जहां मैं पढ़ता था वहां के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में हुई है, पर मुझे उतना प्रभावित कभी कोई नहीं कर पाया जितना उस पांचवीं तक की शिक्षा ने प्रभावित किया था। और मुझे वो ही चीजें याद है अभी तक कि वहां पर कुछ अलग ही मैनेजमेंट सा था। मुझे अभी भी याद है कि उस पांचवीं तक की शिक्षा के दौरान जो अक्सर हम पढ़ते हैं वो मैंने कभी नहीं किया कि टीचर क्लास के अंदर आता और एक बच्चे को कहता है, हम सुनते हैं इधर उधर ये बातें, जो मैं बाद में प्राइवेट स्कूलों में भी देखता था कि वो लोग ऐसे कर लिया करते थे। टीचर क्लास में आता है, आगे कहता है कि लकड़ा 7 नंबर चैप्टर पढ़, बच्चा पढ़ना शुरू करता है, 4 पैराग्राफ उससे पढ़ो, अभी बैठ जा, दूसरा कड़ा गया तू पढ़, दूसरे वाला पढ़ता है, फिर चैप्टर खत्म हुआ, फिर बिठा देता है, फिर टीचर जो होता है वो आपके क्वेश्चन आंसर लिख देता है, आप घर पे ले जाके उनको याद कर लेते हो, पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। मुझे अभी भी याद है, पहली दूसरी का तो मुझे इतना याद नहीं, तीसरी चौथी पांचवीं क्लास अभी भी याद है कि जितने भी टीचर वो आया करते थे उन्होंने कभी भी चैप्टर ऐसे नहीं पढ़ाया, उन्होंने चैप्टर खुद बुक लेके पढ़ाया था, समझाया था चैप्टर को, बताया था क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद हमें कहा था कि घर से खुद क्वेश्चन आंसर करके लाना। बड़ी जोरदार हैबिट पड़ी उन चीजों से, खुद जाके मगजमारी करते हैं, उस चैप्टर में से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। वरना आगे जब प्राइवेट स्कूलों में गए थे तो प्राइवेट स्कूल वालों ने कहा, वहां जो भी टीचर आए थे अच्छे थे वो भी, पर उनका डर्रा ही वो था शायद उन स्कूलों का, खूब अच्छे टीचर थे, वो शिक्षा भी काम आई है अपने, पर मैं जब तुलना करता हूं तब मुझे लगता है कि फिर उनका तरीका वो हुआ करता था कि तीसरे क्लास का तो वो तीसरे क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 27 देखो, पेज नंबर 27 पे अतः से शुरू करना है, फिर दो लाइनें नीचे चलो, कहा था यहां तक लिखना है, लगा लो भाई, एक तीर इधर लगाते, एक तीर इधर लगाते, ऊपर दो नंबर लिखते, घर पे जाके जिसका वो आंसर होता वो कॉपी में उतार लिया करते थे। उस सरकारी स्कूल ने हमारे साथ ऐसे नहीं किया। ये तो चलो पढ़ाई वाली सी बात थी, 19-20 का फर्क रहता है, मुझे लगता है उनकी दूरदृष्टि थोड़ी इनसाइट अच्छी रही होगी, बाकियों की इतनी अच्छी नहीं रही होगी अंतर्दृष्टि, इस चक्कर में कुछ ऐसा हो गया होगा। पर मुझे उस पांचवीं तक की स्कूल की सबसे अच्छी यादें जो है वो उसकी मुझे प्रार्थना है कि सुबह जो प्रेयर हुआ करती थी, जाते पांचवीं तक की स्कूल, हम लगभग पांचवीं तक की स्कूल में भी 125-150 के आसपास में बच्चे हुआ करते थे, एक क्लास में 25-30 का एवरेज था, आसपास के गांव में वही पांचवीं तक की स्कूल थी तो बच्चे खूब आ जाते हैं आसपास के गांव के। 5 लाइनें लग गई, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवीं, बाकायदा कद वाइज ड्रेस एकदम वैसे क्लासें लगती, ऑन टाइम एकदम सब टीचर्स के साथ में, पहले प्रार्थना बोलते,
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो हे शारदे माँ टाइप की जो भी उस समय प्रार्थनाएं हमें आती थी वो बोला करते थे। प्रार्थना के बाद में वो प्रतिज्ञा बोलते सभी भारतीय मेरे भाई बहन, ये आप सब ने भी किया होगा, पर आगे वाले प्रयोग जो थे वो मैंने मेरे बाकी साथियों के स्कूल में नहीं सुने, हो सकता है आपके स्कूल के अंदर रहे हो। प्रार्थना और प्रतिज्ञा के बाद में डेली एक मिनट का मौन करवाया जाता। मेरे भी कभी नहीं समझ में आया कि वो क्यों करवाते थे, पर डेली एक मिनट का मौन, आंखें बंद करके और खड़ा रहना पड़ता था, बोलना कुछ भी नहीं। हालांकि प्रार्थना भी मैं आंखें बंद करके खड़े होते थे, पर उसमें बोलते थे प्रार्थना। यहां पर केवल था कि केवल प्रार्थना ही करनी हो, वो सॉरी मौन रखना और कुछ ही नहीं। शायद उनका होता होगा कि बच्चा सीखे ये मौन वृत्ति भी सीखे अपने आप के अंदर कि चुप रहना, नहीं बोलना भी अपने आप में एक अच्छा काम होता है। एक मिनट के मौन के बाद में हमें कहा जाता कि आंखें खोल लो, आंखें खोल। फिर कोई एक लाइन, तीसरी चौथी या पांचवी में से कोई एक लाइन दोहे बोलेगी, भले या तीसरी वाले बोले, बोले चौथी वाले बोलो और भले पांचवी वाले बोलो। मुझे याद है कि हमारे में होड हुआ करती थी और हमें से जो भी आगे आगे खड़े रहते, जो तीसरी वाला आगे खड़ा है, चौथी वाला आगे खड़ा और पांचवी वाला आगे खड़ा है, हमें से जो कोई स्टूडेंट होता वो आगे खड़ा रहता, उसको बाकी क्लास वाले कहते हैं कि जैसे ही सर कहेंगे दोहे तेरे को शुरू कर देना है। ये नहीं क्या चौथी पांचवी वाले बोल जाए या पांचवी वाला कहेगा तीसरी चौथी वाला बोल जाए, और वो एकदम तैयार रहते खो खो वाली तरह से कि भाई जैसे ही कहे दोहे और मैं शुरू कर दूं बोलना। फिर वो एक पूरी लाइन दोहे बोलती, पहले एक बच्चे ने दोहा बोला, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, 20 लोग खड़े उसमें 20 दोहे बोलेंगे, 20 अलग अलग दोहे बोले जाएंगे। इसलिए ज्यादा तो नहीं, पर मुझे कबीर, तुलसी, रहीम और बिहारी जी के सबके को 10-10, 15-15 दोहे उस टाइम में हमें याद ही थे कि भाई अलग अलग दोहा बोलना है तो 20 दोहे तो कम से कम आने ही चाहिए, वरना क्या पता अगले ने बोल दिया आपकी बारी नहीं है। तो फिर ये चिड़ी चौंच भर ले गई, बड़ा भया तो क्या भयान, रहमन धागा प्रेम कान, ऐसे जो दोहे थे उस समय सीख लिए थे। तब मुझे याद है ये दोहा खूब बोलते थे हम कि करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सराई, रे गंधी मती अंध तून इतर दिखावत काही। एक पूरी लाइन जब दोहे बोल लेती तब टीचर वापस कहते कि बैठ जाओ, तब उस प्रार्थना स्थल पर बैठ जाया करते थे। फिर आगे एक बोर्ड लगा रहता जहां सब बच्चे बैठे, उसके आगे एक बोर्ड लगाते टेबल वेबल से जोड़ के, उसको पीछे कुर्सी लगा के उस पर अटकाते ही बोर्ड को, उस बोर्ड पे कोई एक दोहा लिखा हुआ रहता डेली, नया दोहा। ये पांचवी क्लास वालों की जिम्मेदारी थी कि तुम एक दोहा डेली यहां पे लिखोगे। दोहों की किताब विताब लाइब्रेरी थी हमारी, उसमें मिल जाया करती थी और वहां से वो दोहे कोई ना कोई बच्चे लिख दिया करते। फिर जितने बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई खड़ा हो और उस दोहे का अर्थ करो, पहले दूसरे के बच्चे तो क्या करते हैं, पर तीसरी चौथी पांचवी वाले, और बेसिकली चौथी पांचवी वाले जो थे वो उस दोहे का अर्थ करते। जैसे यही लिख दिया करी फुलेल को आचमन, तो जैसे मैंने अभी अर्थ बताया ऐसे हम अर्थ करते। बाकायदा अलग अलग बता के अर्थ करना पड़ता है, फुलेल का मतलब इत्र, आचमन का मतलब जो होता है चखना, सराही का मतलब प्रशंसा करना, गंधी मतलब इत्र बेचने वाला, मति मंद मतलब कम बुद्धि होना, इत्र मतलब अत्र हो गया या इत्र हो गया, करते फिर इसकी एक एक लाइन का अर्थ करते कि कवि क्या कहना चाहते हैं। और कम से कम डेली 15-20 बच्चे ऐसा हम किया करते थे कि उसका अर्थ बोलते, तो जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते उनके तो दोहे अच्छे होते, उनके अर्थ भी अच्छे होते, उनकी हिंदी भी अच्छी होती। जो पैसिव रहते थे और जो अर्थ नहीं भी करते वो कम से कम 15 बार उस दोहे का अर्थ सुनते तो सही। फिर हमारे जो भी टीचर आगे खड़े रहते उनमें से कोई एक टीचर उस दोहे का एग्जैक्ट सटीक अर्थ था वो बताता, भाई बच्चे थोड़ा बहुत गलती कर देते बताने के अंदर इतनी, या इसका भावार्थ क्या होगा हमें पता नहीं होता था कि इसका अर्थ, हम तो अर्थ करते इसका, इसका एग्जैक्टली भावार्थ क्या है, कवि ने ऐसा क्यों बनाया है दोहा, उसके बारे में और बताते। 5 साल तक का ये ट्रीटमेंट है। मुझे अभी भी वो सरकारी स्कूल बहुत अच्छी लगती है। जब भी मुझे कोई कहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़े वहां पर पढ़ाई नहीं हुई, तब मुझे लगता है कि नहीं यार, हमारे वाले सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हुई थी। मुझे आज भी याद है कि 1997 में कल्पना चावला जब पहली बार अंतरिक्ष में गई थी, हमारे साइंस पढ़ाया करते थे विमला बिश्नोई मैम हुआ करते थे, उन्होंने उसी दिन क्लास के अंदर लिखवाया था कि आज कल्पना चावला अंतरिक्ष के अंदर गई है। किसी तीसरी क्लास के बच्चे को उसी दिन का करंट याद हो, इससे ज्यादा बेहतरीन बात मैंने कभी नहीं देखी होगी। वो अखबार में रेडियो पे कहीं सुन के पढ़ के आए होंगे और उन्होंने बताया कि बच्चों तुम्हें पता है आज ऐसा ऐसा हुआ है। हम कितना जानते कितना नहीं समझते होंगे, पर वो घटनाएं मुझे कई छोटी छोटी अब भी याद आती है। आप भी अपने आसपास में यदि आप सरकारी स्कूल के जितने टीचर हो प्लीज ऐसे प्रयास किया करो, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है बच्चों का अपने आप में। तो ये बिहारी जी वाला दोहा मुझे याद है। फिर लो ये तो मैं इधर उधर की बातों में लग गया थोड़ा, आपके काम की नई बातें। एक दोहा और मैं बिहारी जी का दोहा है जो खूब फेमस है, मैं फिर बताना चाहूंगा आपको। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंधी हो तो आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह एक बार एक
शादी करके लौटे, एक चौहान रानी थी उसे शादी करके आए। रानी बेहद सुंदर थी, पर रानी की उम्र ज्यादा नहीं थी, छोटी उम्र की थी। पहले छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर दिया करते थे, वो भी कोई 14-15 साल की राजकुमारी थी, और पर बेहद सुंदर राजकुमारी। मिर्जा राजा जयसिंह जब उससे शादी करके आ गए तो उसके बाद उसके महल में रहने शुरू हो गए, इवन दरबार में आना ही बंद कर दिया। वही अंतःपुर के अंदर ही रहते, दरबार में आते ही नहीं। तो दरबारियों में खुसर फुसर की, यार राजा जी दरबार में नहीं आए तो काम कौन करे? कोई डॉक्यूमेंट साइन करने, कोई दान देने, कोई सेनापति को आज्ञा लेनी, 100 काम चलते हैं राज्य के अंदर। राज्य का हेड, राज्य का प्रमुख वही हुआ करता था। वो नहीं है तो फिर काम कैसे पार पड़ेगी? पर राजा को ये जाके कौन कहेगी, साहब रानी का मोह छोड़ो और बाहर आओ? इतनी हिम्मत किसकी होगी राजा को जाके कह देगी, साहब खूब हो गए, अब हनीमून पीरियड खत्म हुआ, बाहर निकलना चाहिए आपको। सब दरबारियों ने बिहारी जी को कहा कि बिहारी जी आप कवि हो, कवि की कल्पना में वो शक्ति होती है कि वो ऐसी बात व्यंजना के अंदर कह सकता है, तो आप कुछ करिए। बिहारी जी अपना ये दोहा लिख कर भेजते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो। अली का मतलब होता है भौंरा, भौंरा फूलों पर मंडराता है, पराग जो फूलों का रस होता है, मधु और पराग फूलों का रस या उनकी सुगंध जो भी होती है, इसको भौंरा कैच करता है, भौंरा लेता है उन फूलों के रस को, तो वो बिहारी जी कहते हैं। तो रानी कम उम्र की थी इसलिए कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो, अली या अली कली में ही बंध्यो। कली मतलब फूल की कली, कली से फूल बनता है, पहले उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है, वो कली है। तो कहते हैं कि कली में न तो अभी तक पूरा शहद उत्पन्न हो पाया है, न उसमें सुगंध उत्पन्न हो पाई है, न ही उसका पूरा विकास हुआ है, फिर भी अली अर्थात भौंरा अर्थात मिर्जा राजा जय सिंह उस पर इतना मंडरा रहा है, तो आगे कौन हवाल? तो जब फूल बन जाए उसके बाद तो आपका होगा भी क्या? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो बंध्यो, तो आगे कौन हवाल? मिर्जा राजा जय सिंह को जब ये दोहा मिलता है तो वो इसका अर्थ समझते हैं कि वास्तव में महाकवि बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह बाहर आए, लोगों को लगा कि बिहारी जी के इस दोहे पर राजा कुपित भी हो सकता है, राजा कुपित हो तो कोई भी दंड दे सकता है, पर मिर्जा राजा जय सिंह गुण ग्राहक थे, उन्होंने बिहारी जी को इस एक दोहे के लिए 1,00,000 सोने के सिक्के दिए थे और जयपुर के पास में कालीपाड़ी चारना नामक गांव उनको भेंट कर दिया था। बिहारी जी के दोहों में वो ताकत थी। तब ये बात है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, हालांकि ये दोहे सतसैया के नहीं है, पर उसके सतसैया के बाहर के दोहे भी तो इतने ही गंभीर है उस आदमी के। तो बिहारी सतसैया याद रखना भाई, बिहारी जी याद रखना। मैंने बताया था आपको कि जयपुर में मानसिंह जी ने आमेर का किला बनवाया था, जब काकिल देव आमेर में आए थे तो उन्होंने छोटे मोटे महल बनवाए थे, इसलिए आमेर को आज भी काकिलगढ़ भी कहा जाता है, आमेर काकिलगढ़ है। पर बाद में वहां पर मानसिंह जी ने अच्छे महलों का निर्माण करवा लिया, आमेर का किला बनवा लिया वहां पर। मैंने उस दिन भी बताया था कि किला हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से होता है, महल रहने के लिए होते हैं। चूंकि मानसिंह के टाइम में आमेर वालों को सुरक्षा की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, मुगलों के संबंध उनके साथ बहुत अच्छे थे और उनको लगता था कि यार नहीं अपने ये भी है तो अटैक वटैक किसी का होना नहीं है, तो एक बार अपने यहाँ पर ये ठीक है। हालांकि मानसिंह जी को लगा भी था कि यार सुरक्षा के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो उन्होंने एक किला बनवाना भी शुरू किया था दूसरा, लेकिन वो उसको पूरा नहीं करवा पाए, नींव वींव भी लगा पाए थे, इतने में उनकी डेथ हो गई। कालांतर में जयसिंह ने उस किले को ढंग से बनवाया, जिसको हम जयगढ़ के नाम से जानते हैं। तो जो जयगढ़ का किला है, इसको भले ही मानसिंह जी शुरू करके चले गए थे, लेकिन इसको मिर्जा राजा जयसिंह पूरा करवाते हैं, इसलिए इसका नाम जयगढ़ रखा गया। मानसिंह के टाइम में नहीं हो पाया, इनके टाइम में तो जयगढ़ नाम है इसका। कहते हैं पहले ये जो जगह थी यहाँ पे खूब सारी चीलें बैठी रहती, तो इसको चील का टोला बोलते थे, जयगढ़ वाली जगह को चील का टोला कहा जाता, या आप इंग्लिश वाले बोलो तो ईगल हिल्स। ईगल मतलब चील होती है। मुझे याद है थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, राजस्थान में कौन सा किला है जो ईगल हिल्स पर बना हुआ था, तो जयगढ़ का किला है, तो इसको चील का टीला या चील का टोला भी कहते थे, या ईगल हिल्स भी कहा जाता है, ईगल हिल पर यह बना हुआ था। तो कौन सा किला है? जयगढ़। जैसे हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ वालों की इमरजेंसी कैपिटल जो थी वो आपके कुंभलगढ़ हुआ करती थी, वैसे के वैसे यदि जयपुर वालों की इमरजेंसी कैपिटल, या आमेर में बोलूं आमेर वालों की इमरजेंसी कैपिटल थी, तो ये थी, संकटकालीन राजधानी थी उनकी,
उनका ये संकटकालीन किला था, संकट मोचक कह दो, संकटकालीन कह दो, इमरजेंसी कह दो, इमरजेंसी फोर्ट हुआ करता था। हम जब किले पढ़ेंगे स्पेशल, तब जयगढ़ किले की और खूब सारी बातें करेंगे, और ये याद रहेगी ये मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था। आगे हालांकि सवाई जयसिंह शुरू हो जाते हैं, एक नई लिखी हुई बात मैं यूं ही बता दूं, मिर्जा राजा जयसिंह ने एक साउथ में जब लंबे समय तक पोस्टिंग रही थी तो वहां पर एक कस्बा बसाया था जयसिंहपुरा, ये भी याद रख लेना, औरंगाबाद के पास में वहां पर जयसिंहपुरा नाम का कस्बा बसाया था। साउथ में इनकी जब पोस्टिंग वगैरह हुआ करती थी तो वहां पर ऐसे किले वगैरह बनावा लिया करते थे। जैसे बीकानेर वाले कर्ण सिंह, मैंने बताया था लंबे टाइम तक वहां पर रहे थे, तो वहां पर कर्णपुरा बसाया था, उनके बेटे के नाम पर केसरी सिंहपुरा बसाया था, एक बेटे के नाम पर पद्मपुरा बसाया था। इवन बीकानेर वालों को तो वो जो गांव थे उनका इनकम भी मिला करती थी, बीकानेर वाले लिया करते थे। बाद में जब अंग्रेजों ने साउथ पर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने कहा भाई ये तीन गांव किसके हैं बीच में, तो कहा ये तो बीकानेर वालों के। तो फिर अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा से बात की और उनको कहा यार इन तीन गांव की जगह हम आपको बीकानेर के पास में दूसरे गांव दे देंगे, ये गांव हमें दे दो। तो फिर वो गांव उनको वापस दिए गए थे। फिर बीकानेर वालों को एक तो हिसार के पास में गांव दिया था और 25,000 रुपये नगद दे के वो गांव उनसे खरीदे गए थे उस टाइम। तो अपने जो भी राजा जाते, जैसे जसवंत सिंह ने भी औरंगाबाद के पास में जसवंतपुरा बसा दिया था, इन्होंने औरंगाबाद के पास में जयसिंहपुरा बसाया था। और ये जो अपने है वो तो मैंने आपको बताए थे मानपुर और अकबरनगर, वो मानसिंह जी बसा के आए थे। तो ऐसे कई जगह हुआ करते। अगले राजा पढ़ते हैं हम सवाई जयसिंह, एक और जयपुर के प्रतापी सम्राट सवाई जयसिंह, जिनका शासनकाल आप देख रहे हैं कि 1700 से 1743 लंबे टाइम तक रहे। और चूंकि मिर्जा राजा जयसिंह का 46 साल है तो वो सर्वाधिक समय तक रहे। पर मिर्जा राजा जयसिंह 46 साल में 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल देख पाए थे, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर जो उनको अहमदनगर में मलिक अंबर के खिलाफ भेजता है, शाहजहां जो उनको कंधार भेजता है और मिर्जा राजा की उपाधि देता है, औरंगजेब जो उनको साउथ में शिवाजी के खिलाफ भेजता है जहां वो शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि करते हैं। मोटी मोटी सी बात उनकी ये। पर औरंगजेब के मरने के बाद इतने बेलखने मुगल बादशाह बने कि नाम रखने की तो आवश्यकता ही नहीं है, एक आता दूसरा चला जाता। औरंगजेब के टाइम से आदमी रहने लगा, औरंगजेब उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियार, रफीउद दर्जात, रफीउद ओला, मोहम्मद शाह रंगीला, यूं करके 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। आपने संख्या याद रखनी, कितने मुगल बादशाह बने थे इसके शासनकाल के दौरान? तो 7 मुगल बादशाह थे वो इसके शासनकाल के दौरान बन गए थे। तो सिंपल सा कि किसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था, तो सवाई जयसिंह। ऐसा कहा जाता है कि इसका वास्तव में नाम तो विजय सिंह था, और इसका एक छोटा भाई था उसका नाम जय सिंह था। पर ये बहुत चतुर था, और एक बार अपने पिता के साथ में औरंगजेब जब मुगल बादशाह था, औरंगजेब 1707 में मरता है, 1700 में राजा बना था, अपने पिता के साथ अपने औरंगजेब के दरबार में गया हुआ था। वहां कहते हैं कि औरंगजेब इसकी वाक्पटुता को देखकर, इसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखकर, माइंड प्रेजेंस जो था उसको देखकर औरंगजेब बड़ा राजी होता है। औरंगजेब कहता है कि यार ये तो उस पहले वाले जय सिंह से भी सवाया है। पहले वाला जय सिंह कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। ये तो मिर्जा राजा जय सिंह से भी सवाया है। सवाया समझते हो, एक से ज्यादा सवाया हो जाए, एक एक और 1/4 मिलाए तो उससे 1/4 और ज्यादा, ये उससे कम नहीं है। तो बाद में वो अपने आप इसका नाम कर दिया गया कि भाई इसको जय सिंह के साथ तुलना की गई, उसे सवाया बताया गया, इसका नाम तो कर दिया गया सवाई जय सिंह। और फिर भाइयों के नाम चेंज कर दिए गए, इसका नाम विजय सिंह था तो इसका नाम तो कर दिया जय सिंह, और छोटे भाई का नाम विजय सिंह, आपके छोटे भाई का नाम जो था वो कर दिया गया विजय सिंह, नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम विजय सिंह था तो इसका जय सिंह कर दिया गया, और छोटे वाले भाई विजय सिंह का नाम बदलकर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ और उल्टा बोल गया क्या मैं, इसका नाम तो था विजय सिंह, तो इसका नाम तो बदल के कर दिया जय सिंह। और जो जय सिंह था इसका भाई, उसका नाम बदल कर दिया गया विजय सिंह। थोड़ा सा याद रख लेना, ज्यादा काम की बात नहीं, इतना याद रहे कि कई बार ये होता है कि सवाई नाम के आगे क्यों लग रहा है, तो कि भाई औरंगजेब ने कह दिया था कि ये तो उसे सवाया है, तो बाद में सवाई जय सिंह नाम पड़ गया। और उसके बाद में जयपुर में जितने राजा बने थे उनकी उपाधि सवाई चलती रही टिल इंडिपेंडेंस, जब तक राजतंत्र रहा था जयपुर के सारे राजा कौन से टाइटल का प्रयोग किया करते थे, तो सवाई टाइटल का प्रयोग किया करते थे। ये टाइटल सबसे पहले किसके मिलता है, तो अपने को सवाई जय सिंह के मिलता है। 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, फिर हम एक बात पढ़े, औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के बाद उसके 2 बेटे फिर लड़ पड़े,
एक का नाम मुअज्जम, एक का नाम अजम, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जादू का युद्ध। औरंगजेब के मरने के बाद इन दोनों भाइयों के बीच में 1707 में जाजाऊ का युद्ध हुआ। इसमें सवाई जयसिंह था, उसकी साउथ में पोस्टिंग थी, आजम की भी साउथ में पोस्टिंग थी, इसलिए आजम में और सवाई जयसिंह में अच्छी बनती थी, इसलिए सवाई जयसिंह आजम का साथ देता है। इसने आजम का साथ दिया, तो इसका जो छोटा भाई था विजय सिंह, नाम तो उल्टे किए आप समझ ही रहे होंगे, आप छोटा भाई विजय सिंह, उसको लगता था राजा मैं बनूंगा, तो उसने मुअज्जम का साथ दे दिया। लकीली मुअज्जम जीत गया जादव के युद्ध में, जो मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ। सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया, इसके छोटे भाई विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया, मुअज्जम जीत गया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। नाम बदल के कर लिया अपना बहादुर शाह, बाद में एक सेकंड और बनता है इसलिए हम इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसके नाम से मुगल बादशाह बना। पर अब इसके मन में ये बात रही कि यार अपने खिलाफ कौन कौन थे, आजम तो मर जाता युद्ध के अंदर, मार देता है बहादुर शाह या मुअज्जम जिसको हम कहते हैं, अपने खिलाफ कौन कौन थे, तो कहा आमेर वाला सवाई जयसिंह अपने खिलाफ था और इस वाला छोटा भाई विजय सिंह अपने साथ था। तो ये बहादुर शाह आता है वहां से, आमेर आता है, आमेर में आके विजय सिंह को तो बना देता है राजा, आमेर का राजा बना देता है और सवाई जयसिंह को हटा देता है। आमेर का राजा बनाया और आमेर का राजा बना के आमेर का नाम बदलकर इसने कर दिया इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी बना दी, इस्लामाबाद कर दिया, या एक नाम हमें और मिलता है मोमिनाबाद। याद रखना आप कि औरंगजेब के बेटों में सक्सेशन स्ट्रगल हुआ, बैटल ऑफ जाजाऊ, जिसमें मुअज्जम और आजम लड़े, सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, जीत मुअज्जम की हुई, मुअज्जम का साथ सवाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह ने दिया था, इसलिए जो मुअज्जम है वो आमेर पर आक्रमण करता है, सवाई जयसिंह को हटा देता है, रिप्लेस करता है, इसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बनाता है और आमेर का नाम बदलकर क्या कर देता है इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, एक चीज अपनी पढ़ी हुई है कि औरंगजेब ने अपने जीवन काल में जोधपुर में अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया था। अजीत सिंह बेरोजगार चल रहा है, यहां हमने पढ़ा कि यहां बेरोजगार को किसको कर दिया गया है, बहादुर शाह ने सवाई जयसिंह को बेरोजगार कर दिया, इसलिए दोनों सवाई जयसिंह और अजीत सिंह दोनों गठबंधन बनाते हैं और गठबंधन बना कहते हैं कि अब अपने को क्या करना चाहिए, अब बहादुर शाह के खिलाफ अपने को लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई करके अपना वापस लेना चाहिए, लड़ाई में और किसी मोटे लौंठे राजा का साथ लिया जाए और ठीक रहे। राजस्थान की शक्तिशाली बड़ी रियासत कौन सी, मेवाड़, मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे अमर सिंह सेकंड, ये अमर सिंह जी के पास आए और अमर सिंह जी को आके कहा आप हमारा साथ दो और अपने मिलके बहादुर शाह के खिलाफ लड़ते हैं और हमारे राज्य वापस दिलवाओ। आप किस किस के राज्य वापस दिलवाने हैं, अजीत सिंह को दिलवाना है मारवाड़, मारवाड़ वापस, और सवाई जयसिंह को दिलवाना है आमेर वापस, किससे दिलवाना है ये, तो बहादुर शाह, बहादुर शाह प्रथम जो मुगल बादशाह है। और इस समझौते को मैंने आपको बताया था, इस समझौते को कहा जाता है देबारी समझौता, देबारी एग्रीमेंट, मेवाड़ के अंदर ये देबारी नाम की जगह पड़ती है। जब मैंने मेवाड़ पढ़ाए थे तब मैंने देबारी समझौते के बारे में और खुल के कई बातें बताई थी कि देबारी समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और आमेर के राजा सवाई जयसिंह के बीच हुआ, जिसमें कहा गया कि सवाई जयसिंह को आमेर और अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाने में सहायता की जाएगी, और एक शर्त और रखी गई कि अमर सिंह सेकंड की बेटी थी चंद्रकंवर, ये बात मेरी बताई हुई है, मैं रिपीट करवा रहा हूं, चंद्रकंवर, इसकी शादी सवाई जयसिंह के साथ की जाएगी, पर शर्त यह है कि इनका जो पुत्र होगा वही आमेर का अगला राजा बनेगा। उसे अगला राजा बनाया जाना चाहिए। तो ये देबारी समझौता हुआ और इसमें फिर तीनों मिले, तीनों की सेनाएं, अमर सिंह ने अपनी सेना भेजी, सवाई जयसिंह और अजीत सिंह की सेना थी, पहले ये मारवाड़ गए, मारवाड़ पर वहां पर इन्होंने
मुगलों का जो भी अधिकार था उसको समाप्त किया, मारवाड़ पे अजीत सिंह का कब्जा हुआ, फिर दोनों अजीत सिंह और सवाई जय सिंह की सेनाएं वहां से आगे बढ़ी, फिर एक युद्ध होता है सांभर का युद्ध, फिर यहां मुगलों का कब्जा हो रखा था सांभर, सांभर की बात तो आपने कई बार की हुई है, 1709 में सांभर का युद्ध होता है, क्या बेहतरीन युद्ध था, पता नहीं हिस्ट्री की किताबें बताती क्यों नहीं है, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह की मिली जुली सेना, सवाई जय सिंह प्लस अजीत सिंह, सामने मुगलों का जो सेनापति था उसका नाम था सैयद हुसैन खान, सैयद हुसैन खान मुगल कमांडर था, मुगल सेनापति था, न केवल मुगलों को हराया गया बल्कि सैयद हुसैन खान को इस युद्ध में मार दिया गया था, और सांभर का युद्ध जीतने के बाद सवाई जय सिंह आमेर में प्रवेश करते हैं और आमेर के राजा बन जाते हैं, 1709 का सांभर का युद्ध, बैटल ऑफ सांभर, और उसके बाद में कहा गया कि सांभर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की जमीन है, तो कोई पूछेगा कौन से शहर को मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का मिला जुला अधिकार वाला शहर माना जाता था, तो सांभर था, और कालांतर में जब अंग्रेजों ने सांभर की झील ली थी नमक बनाने के लिए, तो यहां से जितने भी रेवेन्यू वगैरह आता तो उसको भी जयपुर और जोधपुर दोनों में बांटा जाता था, यहां से नमक बनाने का था तो बाद में जयपुर जोधपुर दोनों में बंटता था, अंग्रेजों ने जब कब्जा किया तब भी उन्होंने दोनों के साथ वैसे संधि की कि भाई यहां से जो भी रेवेन्यू आएगा वो आपके अंदर बांट दिया जाएगा, तो याद रखना भाई सांभर का युद्ध था, इसके बाद में यहां पर ये कब्जा कर लेते हैं, और सैयद हुसैन खान मुगल कमांडर था जो इसके अंदर लड़ता हुआ मारा गया था, ये सब देबारी समझौते के बाद की बातें हैं, देबारी समझौता जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने और आपको पढ़ा दिया था, कहने का मतलब यह है कि सवाई जयसिंह अपने बाहुबल से अपना राज्य पुनः प्राप्त करता है, न केवल बाहुबल से बल्कि डिप्लोमेसी और जब वो राजस्थान के बाकी दो रियासतों को भी मुगलों के खिलाफ अपने साथ लेकर आ जाता है, एक ये फोटो है देबारी समझौते के बाद की जिसमें बीच में अमर सिंह सेकंड है मेवाड़ के राजा, मेवाड़ी पगड़ी आप ऊपर देख सकते हैं, उस साइड में ये अजीत सिंह है, ये इधर इधर वाले घोड़े पर बैठे हैं, ये सवाई जय सिंह बैठे हैं, अमर सिंह सेकंड पीछे मुड़ के जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो राजपुताने का गरिबाल्डी वीर दुर्गादास राठौड़ है, पीछे दुर्गादास राठौड़ चल रहे हैं, बराबर में तीनों राजा चल रहे हैं, वो देबारी समझौता जिसके अंदर दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की तीन रियासतों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था, जो काम गरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में किया था कुछ उसी प्रकार का काम दुर्गादास राठौड़ राजस्थान के एकीकरण में कर देता है, वो राजपुताने की तीन बड़ी रियासतों को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है, ऐसी कौन से समझौते के दौरान किया गया था, तो आप याद रखें देवारी एग्रीमेंट के बाद किया गया था, तमाम बातें जो मैंने बताई याद रहे आपकी, मेवाड़ पेंटिंग बहुत अच्छी मेवाड़ की पेंटिंग बनी हुई है, मैं पहले इन नीचे वाले दो की बात करना चाहूंगा फिर मैं ऊपर चलना चाहूंगा, बूंदी विवाद मैं आपको बता चुका हूं, हम पढ़ चुके हैं कि वहां बूंदी में एक राजा थे बुद्ध सिंह, उनके कोई बेटा नहीं था, इसलिए सवाई जय सिंह के कहने पर वहां पर दलेल सिंह नाम के एक लड़के को गोद लिया गया था जो कि करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह का बेटा था, और कालांतर में बुद्ध सिंह के खुद के उमेद सिंह नाम का जब बेटा हो गया था तो वहां उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, सवाई जय सिंह उसमें इंटरफेयर करता है, सवाई जय सिंह उसमें दलेल सिंह का साथ देता है, सवाई जय सिंह ने साथ दिया और उमेद सिंह का साथ मराठे देते हैं, तमाम बातें क्या थी क्या नहीं थी मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता कि आप जब मैंने बूंदी पढ़ाया था तब सारी बातें सुन चुके हैं, पर याद रहे कि जयपुर बूंदी विवाद क्या था, कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैंने दोबारा यहां मेंशन किया ताकि आपकी चीजें याद रह जाए, यहां ऐसे भरतपुर के अंदर एक और हुआ था, कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हालांकि औरंगजेब की मृत्यु तो कहा औरंगजेब के जीवन काल में मथुरा से भरतपुर के बीच का बेल्ट था ये जाट बेल्ट हुआ करता था, जिसे आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर बड़े तौर पे जाटों के गांव हुआ करते थे, जाट जमींदार थे यहाँ के, और औरंगजेब की जब आर्थिक नीति खराब हो गई थी जब उसने टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए तो किसानों पर टैक्स का भार पड़ा, और फिर चूंकि उसकी धार्मिक नीति भी थोड़ी गलत थी तो जिन पे टैक्स बढ़ाए गए उनको लगा कि टैक्स राजा ने इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि अपने हिंदू है, इसलिए बड़े तौर पर यहाँ पे जाट सरदारों ने विद्रोह करने शुरू किए, जिनमें हम जब मिडिवल पढ़ेंगे या जब मैं भरतपुर पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा आपको गोकुला जाट और राजाराम जाट जिन्होंने औरंगजेब के टाइम में विद्रोह कर दिया था, उनकी बातें हम तब और करेंगे, हालांकि औरंगजेब एक शक्तिशाली राजा था और उसने उन विद्रोहों को दबा दिया, उन विद्रोहों को उसने फैलने नहीं दिया, कालांतर में वो विद्रोह तो दबा दिए गए पर यहां पर फिर ये वाला जो एरिया था ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो गया एरिया, और औरंगजेब के मरने के बाद इन लोगों ने यहां पे टैक्स देना बंद कर दिया, चुड़ामन नाम के एक सरदार हुए थे भरतपुर के,
उन्होंने ये टैक्स वगैरह देना इनको बंद कर दिया। धीरे धीरे उधर मुगल साम्राज्य का पतन होता जा रहा है, तो मुगलों में कोई शक्तिशाली आदमी नहीं बचा जो इधर वालों को आके कंट्रोल कर सके। ये लोग यहाँ पावरफुल होते जा रहे थे, और इस रास्ते से जो भी मुगलों की गाड़ियां कोई निकलती तो उनको इन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। मुगल बादशाह बना हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला, जैसा आप नाम देख रहे हो वैसा ही आदमी था, रंगीन जीवड़ा था, इतना रंगीला था कि कई बार दरबार में बिना कपड़ों के आ जाया करता था। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को कहा, यार सवाई जयसिंह तुम्हारा राजस्थान का मैटर है, वो भरतपुर के अंदर देख यार, थोड़ा अपने खिलाफ भावनाएं हैं वहां पर। सवाई जयसिंह जब भरतपुर आए तो सवाई जयसिंह के फेवर की एक बात थी कि भरतपुर में उस समय दो लोग राज्य के लिए आपस में लड़ रहे थे, चुड़ामन की मृत्यु हो गई थी और दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट चले, मोहकम सिंह और बदन सिंह। मोहकम सिंह और बदन सिंह के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। मोहकम सिंह राजा बना हुआ था और बदन सिंह चाहता था कि राजा मैं बनूं। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह का साथ दिया। सवाई जय सिंह ने कहा कि बदन सिंह मैं तेरे को राजा बना दूंगा। उसने कहा सर थैंक यू, आप कहोगे वैसे मैं कर दूंगा, तो तुझे ये जो विद्रोह चल रही है बंद करने पड़ेंगे, हम तेरे को राजा ही मान लेंगे, और राजा मान लेंगे तो टेरिटरी अलग, तो इतने इधर शांति से रहे, मुगलों को उधर शांति से रहने दे। बदन सिंह ने कहा ठीक, तो बदन सिंह को राजा बना दिया गया। बदन सिंह को डीग की जागीर दी थी सवाई जय सिंह ने, डीग की जागीर दिलवाई मुगलों से, ये जागीर दो भाई इसको, ये ब्रिज प्रदेश है, इसलिए कहा जाट राजा बदन सिंह को आज के बाद ब्रिज राज कहा जाए, तो ब्रिज राज कहा जाता था। और बदन सिंह इस बात को बहुत मानते भी थे कि मुझे सवाई जय सिंह ने राजा बनाया है, इसलिए बदन सिंह यहाँ जयपुर खूब ही आया करते थे, और उनके नाम पर बाकायदा जयपुर के अंदर एक जगह बनी हुई है बास बदनपुरा, तो बदनपुरा नाम की जगह है वो बदन सिंह जी के नाम से। तो याद रहे कि भरतपुर में जब मोहकम सिंह और बदन सिंह नामक दो उत्तराधिकारियों में विवाद चल रहा था चुड़ामन की मृत्यु के बाद, तो सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया, तो बदन सिंह का साथ दिया। उसे कौन सी जागीर दिलवाई, तो डीग की जागीर दी। उसे उपाधि क्या दी, तो उसे ब्रिजराज की उपाधि दी। और ऐसा किसने कहा था उसे करने के लिए, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा था। तो जब सवाई जय सिंह वापस गया तो मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा राजी हुआ कि यार भरतपुर वाले विद्रोह को तू शांत करके आया, और मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को एक उपाधि दी राज राजेश्वर, कि तू राजाओं का भी राजा है, तू तो राजा बनाने वाला आदमी है। तो इसे कौन सी उपाधि दी गई थी, राज राजेश्वर की। तो कोई पूछे कि कौन सा विद्रोह समाप्त करने की वजह से मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको ये उपाधि दी थी, तो भरतपुर विद्रोह शांत करने की वजह से। भरतपुर में विद्रोह था किसके बीच, मोहकम सिंह और बदन सिंह। सवाई जय सिंह किसका साथ देता है, बदन सिंह। उपाधि क्या देता है उसको, तो उपाधि उसको कौन सी दी गई आपके, ब्रिजराज, ब्रिज के राजा। जागीर कौन सी दी गई, डीग की जागीर दी गई। ये दो बातें, तो मतलब बूंदी और भरतपुर में राजा यही बनाता है। बूंदी के अंदर ये दलेल सिंह को राजा बनाता है, और जब तक जिंदा रहा था इसने मराठों से पंगे लिए थे और दलेल सिंह को राजा बना के रखा था, और भरतपुर में तो बदन सिंह जी को बना ही दिया था। हम भरतपुर पढ़ेंगे तब ये बात भिन्न रूप से और करेंगे। ऐसे ही जोधपुर और बीकानेर में विवाद की स्थिति चल रही है। जोधपुर में राजा हुआ करते थे अभय सिंह, बीकानेर में राजा हुआ करते थे जोरावर सिंह। आपको नाम याद आ रहे होंगे सभी नाम, अभय सिंह, जोरावर सिंह, ये आपने उरड़ा सम्मेलन में राजा पढ़े हैं सारे के सारे, ये आपके जोधपुर का राजा। इनके बीच में विवाद चल रहा था, सवाई जय सिंह और अभय सिंह की आपस में बनती नहीं थी। मैंने बताया था हुरडा सम्मेलन वाले में भी अध्यक्ष को लेकर इनके बीच विवाद हो गया था, और इस बात पर ये जोरावर सिंह का साथ देता है। तो जोरावर सिंह का साथ किसने दिया, सवाई जय सिंह, और सवाई जय सिंह ये युद्ध जीत लेता है। साथ क्या देता है, सवाई जय सिंह लड़ता है अभय सिंह से इस युद्ध में। अभय सिंह इस बात से नाराज था कि तू बीकानेर वालों की सहायता कर रहा है। गंगवाना अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है, 1741 के इस युद्ध में सवाई जय सिंह की जो सेनाएं हैं वो जोधपुर की सेनाओं को, अभय सिंह की सेनाओं को हरा देती है। तो ये भी याद रखे भाई कि अभय सिंह जोरावर सिंह वाला विवाद था, उसमें सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था, तो जोरावर सिंह बीकानेर का साथ दिया था। हम आगे पढ़े, उस समय की सबसे बड़ी ताकत मराठे थे। किसी टाइम में राजस्थान के राजा या तो मुगलों के लिए लड़ते थे या मुगलों के खिलाफ लड़ते थे। अब मुगलों में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि मुगलों से लड़ा जाए, या अब नई ताकत जो थे वो मराठे थे। मराठे लगातार साउथ में तो हिट हो ही गए थे, अब साउथ के बाद मराठे मालवा पर अटैक कर रहे थे। मालवा और गुजरात मैंने कि बताया, जैसे कि
धन धान्य वाले प्रदेश उत्तर भारत के, और कोई भी मुगल बादशाह या दिल्ली का सुल्तान जो भी बनता, वो चाहता कि वो मालवा और गुजरात पर तो अपना नियंत्रण बनाकर रखे, वहां पर कंट्रोल रहे। पर अब कमजोर मुगल बादशाहों से मालवा का नियंत्रण नहीं रह पा रहा था, इसलिए मुगलों को लगा कि किसी ऐसे बंदे को मालवा का नियंत्रण दिया जाए जो शक्तिशाली हो, वहां का संभाल सके। हालांकि मुगल तो नहीं भी चाहते होंगे, पर मुगलों को मराठों को दबाना जरूरी था। सवाई जयसिंह उस समय का शक्तिशाली राजा, सवाई जयसिंह 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया गया था। याद रहे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सवाई जयसिंह कितनी बार मालवा का गवर्नर बनाया गया था, कितनी बार सूबेदार बनाया गया था, तो 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था। बड़ी बात है, 1713 में फर्रुखसियर, 1730 और 1732 में मोहम्मद शाह रंगीला, इसे 3 बार मालवा का गवर्नर बना देते हैं। और ये खुद कि जब मुगलों की तो चल ही नहीं रही है, वो भरतपुर का विवाद ही नहीं दबा पा रहे थे, और वो भी सवाई जयसिंह जाके दबा के आ रहा है, जो कि एक नई नई रियासत बन रही थी भरतपुर। हालांकि उसके बाद तो भरतपुर ने और अपना विकास किया, तो मालवा में तो मुगल क्या ही संभाल पाते। तो उन्होंने सवाई जयसिंह को भेजा, और सवाई जयसिंह ने भी उन पर दबाव दे के मालवा ले लिया। उनका मैं ठीक है मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मालवा देना पड़ेगा। ऐसा हाय दुर्बल मुगल बादशाह क्या करते, और उन्होंने सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का गवर्नर बना दिया। उस मालवा पर नियंत्रण के लिए सवाई जयसिंह के मराठों के साथ में लड़ाइयां होती, 3 युद्ध है। पीलसूद के युद्ध मालवा में 3 जगह पड़ती है, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा का युद्ध। 1715, 1733, 1735। मैं याद दिलाता हूं कुछ चीज सोचना। 1713 में फर्रुखसियर के कहने पर ये मालवा का गवर्नर बनता है मराठों के साथ, वहां पर इसका पीलसूद नामक स्थान पर युद्ध होता है 1715 में, सवाई जयसिंह जीत जाता है। जीत करने का मतलब किसकी, तो सवाई जयसिंह की बोल रहा हूं। सवाई जयसिंह जीत गया। बाद में से 1730 में वापस गवर्नर बनाया गया, 1732 में वापस गवर्नर बनाया गया, 1732 में जब ये वापस गवर्नर बना, तब फिर इसकी एक बार मराठों से वहां पर टक्कर होती है मंदसौर में, इस बार ये हार गया। अब देखना आप बात, जाना पिछले नोट्स पर आप, 1733 में मंदसौर के युद्ध में सवाई जयसिंह मराठों से हार जाता है। इसलिए सवाई जयसिंह की एक बात बहुत ढंग से समझ में आई कि मराठों के खिलाफ अब अकेले पार नहीं पड़ेगी, अब पीलसूद वाली स्थिति नहीं है जब मैंने मराठों को हरा दिया था, अब मराठे ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अब वह बाजीराव प्रथम मराठों का पेशवा था, जिसका सपना था कि अटक से कटक तक मराठों का झंडा फहरा दिया जाए, इसलिए पार नहीं पड़नी अब। तो हमने पढ़ते हैं कि 1734 में सवाई जयसिंह राजस्थान के सभी राजाओं को साथ लेकर हुरडा सम्मेलन करता है। सब राजाओं के अपने अपने स्वार्थ, मेवाड़ की बाउंड्री मालवा तक लगती थी, इसलिए मराठे मालवा में जब लूटपाट करने आते हैं तो मेवाड़ में लूटपाट कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि मेवाड़ इनका सबसे पहले शिकार बना था। कोटा की बाउंड्री मध्य प्रदेश में लगे, इसलिए कोटा भी उनका केंद्र बना हुआ। बूंदी के तो उत्तराधिकार संघर्ष का नतीजा ही अपने आप में मराठे कर रहे हैं। जोधपुर वाला अभय सिंह गुजरात तक अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, मारवाड़ का नियंत्रण वहां तक ले जाना चाहता है। मराठे भी उधर गुजरात में अपना इंटरफेयर करना चाहते हैं, इसलिए अभय सिंह की उधर टक्कर हो रही है उनके। अभय सिंह का भाई बक्स सिंह था, तो वह भी तैयार हुआ साथ में कि मैं भी चलूंगा। किशनगढ़ करौली और बीकानेर के राजा भी तैयार हुए, पर इन सब ने हुरडा में 17 जुलाई 1734 को एक प्रतिज्ञा की कि सभी एक दूसरे के मित्र बने रहेंगे, मराठों के खिलाफ वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में युद्ध किया जाएगा। पर मैंने बताया कि राजाओं की खुद की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी, इतने ज्यादा सेल्फ एम्बिशियस रूलर हुआ करते थे कि दूसरे के झंडे के नीचे लड़ने के लिए ज्यादातर तैयार हो ही नहीं पाते थे, उसमें भी एक दूसरे के तो मरे ही नहीं हो पाते थे। बीच बीच में कोई छोटे मोटे प्रयास हम भले ही देखते हो, वो प्रयास जब भी ऐसे हुए तो सफल भी हो पाए। वो प्रयास संगा के टाइम में, प्रताप के समय में,
यदि ये लोग मिलजुल के लड़े तो सफल भी हो गए, लेकिन वो अपवाद है। इसलिए रामपुरा वाले मैदान में अपनी सेनाएं तो भेजी, फिर भी सबने थोड़ 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 थोड़ी सेनाएं भेजी, लेकिन इस बार फिर ये रामपुरा में हार गए थे। तो इनमें कनेक्शन है आपस में कि मंदसौर में 1733 में हारने के बाद 1734 में हुरडा सम्मेलन है, हुरडा सम्मेलन की लाइन है कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा, ये रहा रामपुरा का युद्ध, इसमें वापस हार गए थे। तो मराठों के और सवाई जयसिंह के बीच में क्या क्या चीजें थी, तो ये चीजें याद रख लेना, तीन युद्ध याद रखने हैं आपको। ये मालवा पर कब्जे को लेकर हो रहे थे। इधर बाजीराव प्रथम की 1740 में मृत्यु हो जाती है, उसका बेटा बालाजी बाजीराव अब नया पेशवा बनता है। सवाई जयसिंह को पता चल गया कि अब मालवा में कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। सवाई जयसिंह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कहा कि मालवा पे अब मराठों का नियंत्रण होगा, हम नियंत्रण नहीं रख पाएंगे वहां पे। और अब मराठों के हमले हमारे राजस्थान में भी इतने बढ़ने लगे हैं कि अब अपनी अपनी रियासत नहीं संभालनी पड़ेगी। उधर मराठे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो दिल्ली तक जाकर टैक्स ले रहे थे। और हम मॉडर्न पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि बाजीराव प्रथम एक दिन अपने मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली जाकर घेर लेता है। दिल्ली का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव प्रथम के नाम से दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा, तू यार सवाई जयसिंह इंटेलिजेंट आदमी है, तू तो मराठों से एक बात कर ले कि यार ये दिल्ली में लूटपाट करने नहीं आए, और मैं खुद ही इनको मालवा दे देता हूं। दिल्ली आते हैं तो यार बेइज्जती होती है यार, थोड़ी बहुत तो बंदे की इज्जत रहने दो यार ऐसे। तो फिर सवाई जयसिंह 1741 में पेशवा बाजीराव के साथ में धौलपुर में एक समझौता करता है, और उसमें वो कहता है कि मैं आपको मुगलों से मालवा दिला दूंगा, या वो नर्मदा नदी के इधर इधर वाला भाग दिलाता है, थोड़ा ये वाला भाग आपको दिला दिया जाएगा, आप प्लीज लूटमार करने उनके एरिया में लूटमार मत करो, सीधा सीधा हम आपको ये दिलवा देंगे। तो सवाई जयसिंह और पेशवा बाजीराव बालाजी बाजीराव के बीच समझौता हुआ था, रुपए वगैरह इतने रुपए दे दिए जाएंगे, कई बातें की गई थी इसके अंदर। अपने को समझौते के ज्यादा अंदर नहीं जाना, इतना याद रखना। सवाई जयसिंह किसकी तरफ से था, तो मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि है इसमें। सिंपल सा आपसे कोई पूछेगा कि धौलपुर समझौता किस किसके बीच में हुआ था, तो धौलपुर समझौता एक तरीके से तो मुगलों और मराठों के बीच में है, पर मुगलों की तरफ से बातचीत कौन कर रहा है, तो सवाई जयसिंह कर रहा है 1741 में। कौन से मराठा पेशवा के साथ, तो बालाजी बाजीराव के साथ में समझौता किया जा रहा है। आप देखिए, वह राजा जो अपने बाहुबल से अपनी डिप्लोमेसी से न केवल राजस्थान की रियासतों को मुगलों के खिलाफ एक करता है, बल्कि अपने राज्य आमेर पर कब्जा करता है और सवाई और अजीत सिंह को भी मारवाड़ दिलवाता है, वह राजा जो ये तय करता है कि भरतपुर में राजा कौन बनेगा, बूंदी में राजा कौन बनेगा, जोधपुर बीकानेर की लड़ाइयां वो डिसाइड करता है, मुगलों की तरफ से मालवा मिलने के बाद मराठों से लड़ता भी वही है, राजस्थान के राजाओं को मराठों के साथ में एकजुट करने के प्रयास भी वही करता है, मराठों और मुगलों के बीच में भी समझौते वही आदमी करवाता है। अपने समय का एक बेहतरीन योद्धा रहा होगा, कूटनीतिज्ञ रहा होगा, डिप्लोमेट रहा होगा। पर हम देखते हैं कि अक्सर जो राजा लड़ाइयों में अपना जीवन गुजारते हैं उनकी कल्चरल एक्टिविटीज थोड़ी कम होती है, जिसके अपवाद हम राज सिंह और कुंभा को देखते हैं, पर नाम सांगा के जीवन काल में उसकी कल्चरल एक्टिविटीज नहीं देखते हैं। सवाई जयसिंह इसका ठीक उल्टा है, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज से तो इस राजा को दुनिया का महानतम राजा घोषित कर दिया जाना चाहिए। क्या इंटेलिजेंट आदमी रहा था सवाई जयसिंह अपने समय का, हम देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं सवाई जयसिंह की कल्चरल अचीवमेंट्स, सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक मैंने बताया कई चीज होती है, आर्किटेक्चर होता है, पेंटिंग्स होती है, आपके किताबें होती है, दरबारी विद्वान होते हैं, कई बातें अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं। हम पहले इसके आर्किटेक्चर से शुरू करते हैं। एक शहर बसाया जयपुर, आपके राज्य की राजधानी गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जो जयपुर नाम का शहर है, ये सवाई जयसिंह द्वारा बसाया गया था। कहते हैं पहले राजधानी आमेर थी, अब राजधानी को जयपुर लाया गया, जो कि कछवाहों की चौथी राजधानी है, पहली दौसा, दूसरी रामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। आमेर में जनसंख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहां पर जनता को थोड़े ढंग से बसाया जा सके।
इसलिए 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई। तो जयपुर की स्थापना कब की गई है? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। और यह नहीं कि लोगों को कह दिया कि मकान बना लो, ये जगह पड़ी है। पहले यहां पर, जहां पर अब जयपुर बसा हुआ, यहां पर जंगल हुआ करता था। जब आमेर के जो भी राजा बनते थे वो यहां पे शिकार खेलने के लिए आया करते थे, इसलिए इस जगह का नाम शिकार होदी था। अंदर एक तालाब बना हुआ था जंगल के बीच में, ऊपर एक मचान, पास में एक मचान बनाया गया, मंच बनाया गया। राजा उस मंच पर आकर बैठ जाता और उस तालाब में, होदी बोलते हैं जिस तालाब को अपने, उस होदी में जब भी कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए आता, राजा ऊपर बैठकर उसका शिकार कर लिया करता था। शिकार होदी थी यहां पर। उस जंगल को कटवाया, उस जगह को समतल करवाया। और फिर ऐसे शहर नहीं बसाना, पहले पता लगाओ अपने आसपास में दुनिया के कौन से शहर अच्छे अच्छे बसे हैं। किसी ने कहा था दो शहर, एक तो इराक का बगदाद। बगदाद कहां पे? तो कहा इराक में। एक चाइना का केंटन। ये दो शहर सर बड़े हैं। मैप मंगवाए जाएंगे, इनके मैप मंगवाए गए दोनों शहरों, मानचित्र मंगवाए गए, देखा उनको इन शहरों की बसावट, इनकी बनावट, इनका आर्किटेक्चर किस प्रकार का है। पर वो देखने के बाद जयपुर का नक्शा बनाया गया। एक बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे। ज्योतिष में बहुत अधिक विश्वास रखने वाला सवाई जयसिंह जयपुर के नक्शे को 9 चौकड़ियों में बांट देता है। 9 स्क्वायर थ्योरी, 9 वर्ग सिद्धांत पर आपका जयपुर बसाया गया है। जयपुर तय किया गया बाकायदा, जब यहां राजा का महल होगा, राजा के महल के ठीक सामने गोविंद देव जी का मंदिर होगा, ये जोहरी बाजार है, ये माणक चौक है, ये छोटी चौपड़ है, ये बड़ी चौपड़ है, तमाम रास्ते, तमाम चौराहे, ये सब मैप में बनाने के बाद जयपुर का निर्माण करवाया गया। जयपुर आधुनिक भारत का, मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट प्लान्ड सिटी है। भारत का पहला आधुनिक और नियोजित, शब्द पे ध्यान दे आप, नियोजित मतलब प्लानिंग के साथ बनाया गया, नियोजन के साथ बनाया गया शहर। ऐसे शहर या तो सिंधु घाटी सभ्यता की में दिखाई देते हैं, जो शतरंज बोर्ड की तरह बने हुए थे, या वैसा शहर जयपुर है। मैं जब भी जयपुर के निर्माण को, इसकी वास्तुकला को देखता हूं, तो उस राजा के प्रति वाकई श्रद्धा से सर झुकाने का मन करता है कि आज के 200 साल पहले, 300 साल पहले एक राजा इतना कैसे सोच सकता था कि यार शहर में चौराहे होने चाहिए और सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, प्लानिंग कैसे की जा सकती है कि एग्जैक्टली इस सीध में दुकानें बनेगी, यहां पर मकान बनेंगे। आप में से जिन जिन लोगों ने जयपुर देखा होगा, यदि कभी किताब खरीदने के लिए चौड़ा रास्ता गए होंगे, तो डिवाइडर के बावजूद दो गाड़ियां इधर चलती है, दो गाड़ियां इधर चलती है, मतलब 4 लेन है वो एक तरीके से। आज से 300 साल पहले जब गाड़ियां हुआ ही नहीं करती थी, एक राजा कितना दूरदर्शी रहा होगा कि उसके दिमाग में आया होगा कि आगे जब जनसंख्या बढ़ेगी तब शहर की सड़कें चौड़ी काम आएगी। मैं कहता हूं बाकी तमाम शहर राजस्थान के आप देखना, राजस्थानी पूरे भारत के शहर देखना, आप बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, पुरानी सिटी, ओल्ड सिटी देखना आप कभी भी, आपको लगेगा यार छोटी छोटी गलियां हैं। बीकानेर में, हम ओल्ड बीकानेर में चले जाते थे बाइक लेकर, सामने से दूसरी बाइक आ जाए तो दोनों क्रॉस नहीं कर पाती थी, जबकि जयपुर के अंदर देखा जाए तो गलियां संकड़ी नहीं है, रास्ते चौड़े हैं। वो समकोण पर काटती हुई, 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई सड़कें, जिसमें प्रत्येक गली आपको मुख्य सड़क पर ले जाकर छोड़ देती है। अपने बाकी सब शहरों में आपको देखा होगा कभी आपने कि आप किसी गली में घुसे और गली आगे से बंद। अब तो गूगल आ गया, अपने को फिर भी रास्ते पता चल जाते हैं, वरना पहले किसी को गली में पूछना पड़ता, फिर
गली बंद हो जाती थी, पूछना पड़ता है भाई साहब मेन रोड जाना है, वो आपको तीन बताता है कि ये आगे ऐसे जाओ, आगे स्कूल आएगी उसे राइट हो जाना, उसके आगे प्याऊ आएगा उसे लेफ्ट हो जाना, तब जाके मेन रोड आएगी। आप जयपुर की किसी भी गली के अंदर घुसिए, गली बंद नहीं होगी। उस ओल्ड सिटी को जब भी आज देखते हैं तो जीव सोरा होता है। क्या शहर बसाया उस आदमी ने, कितना सुंदर, कितना सुंदर शहर है वाकई। ज्योतिष में इतना विश्वास था कि पुर्तगाल से एक ज्योतिषी बुला लिया था, तू बता कैसे बनाना है, जेवियर डी सिल्वा। जेवियर डी सिल्वा नाम का एक पुर्तगाली ज्योतिषी, पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर बुलाया गया। वास्तुकार तो विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिनके नाम पर जयपुर में कॉलोनी है विद्याधर नगर। पुर्तगाली ज्योतिषी जेवियर डी सिल्वा को भी कहा, डी सिल्वा जी आप भी बताओ क्या क्या करना है। खुद ज्योतिष का महान विद्वान, इसलिए नौ ग्रहों के सिद्धांत पर, नौ वर्गों के सिद्धांत पर जयपुर बसाता है। वह जगह जहां पर किसी टाइम में शिकार किए जाते थे, जिसको कि शिकार होदी कहते थे, यहीं से बनाना शुरू किया जाए। और वहां पर बनाया गया था बादल महल। तो बादल महल जयपुर की पहली बिल्डिंग थी जो सबसे पहले बनाई गई थी, उसके बाद बाकी पूरे जयपुर का निर्माण किया गया। कहते हैं कि जब यह बसाया गया था तब इसका नाम रखा गया सवाई जयनगर। सवाई जयसिंह ने बसाया, इसलिए सवाई जयनगर है। फिर क्या लंबा नाम है, इतना तो लिया ही नहीं जाएगा, सवाई जयनगर ये तो कौन बोलेगा, इसलिए हमारी लोकल भाषा में इसका नाम किया गया जयपर। एग्जैक्टली जयपर। आज भी गांव में किसी बुजुर्ग से जयपुर का नाम लेना, उसे जयपुर नहीं बोला जाता, वो इसको जयपर बोलता है। आप और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग इस बात पर हंस सकते हैं कि दादाजी को नाम आता नहीं जयपुर का से, इसलिए जयपर बोलते हैं। नहीं, वो सही बोलते, तुम गलत बोलते हो, उसका नाम जयपर ही है। एग्जैक्टली जयपर नाम है इसका। तो बहुत बाद में अंग्रेजों के आने के बाद में अंग्रेजों ने इसको जयपोर लिखना शुरू कर दिया था, JAIPOR। उस जयपोर को धीरे धीरे हमने जयपुर कहना शुरू कर दिया। सदियों तक इस शहर का नाम जयपर रहा है। आज भी राजस्थान के किसी भी बुजुर्ग से पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे अच्छा शहर कौन सा है, अक्सर गांव में लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि ना जोयो जयपरियो तो जग मां के करियो, ना जोयो यदि नहीं देखा जयपुर तो संसार में जन्म क्यों लिया है। अभी भी पुरानी ग्रामीण महिलाओं की यह अंतिम इच्छा होगी कि कोई जयपुर दिखाते एक बार। आज भी वो लोकगीत इस बात की दुहाई देते हैं जब पत्नी अपने पति को कहती रहती है कि मन जयपुरी की तीज दिखा दो। बाकी बेहद सुंदर शहर है, ऐसा मैं नहीं कहता, आपको लगे कि खुद जयपुर में रहता है इसलिए कहता होगा। आप कभी आएंगे तो इस बात को स्वीकार करेंगे, और मेरे और आपके स्वीकार करने से नहीं, पिछले साल यूनेस्को ने इस बात को स्वीकार किया कि जयपुर बेहद सुंदर शहर है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर स्थान दिया जाना चाहिए। इसलिए जयपुर जो है तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये जयपुर के निर्माण की बातें याद रहे आपके तमाम चीजें। 18 नवंबर 1727 को बगदाद और कैंटन के मैप को देखने के बाद मुख्य वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य और पोर्तुगीज एस्ट्रोलॉजर जेवियर डी सिल्वा की सहायता से नौ वर्ग सिद्धांत पर शिकार होदी की जगह पर बादल महल बनाते हुए इस शहर की शुरुआत की गई थी, जो आधुनिक भारत का प्रथम प्लान्ड सिटी है, नियोजित शहर है। बने होंगे उसके बाद में और भी कोई अच्छा शहर बन गया होगा आपके, लेकिन जयपुर वाली बात नहीं है, ओल्ड सिटी के अंदर कहीं नहीं मिलती। आजादी के बाद हमने चंडीगढ़ बसाया, चंडीगढ़ खूब सुंदर है, पर कोई उस चंडीगढ़ से 250 साल पहले यदि इतना सुंदर शहर बनाया गया था तो वो सवाई जयसिंह है। किसी ने कहा कि साहब जयपुर जो बसा रहे हो एकदम प्लेन जगह पर बसाया जा रहा है। युद्धकालीन माहौल में जब चारों तरफ से लड़ाइयां होती रहती थी, शहर अक्सर पहाड़ियों के बीच में बसाए जाते थे ताकि जल्दी से कोई दुश्मन आकर आक्रमण नहीं कर सके। वह समय जब मराठे लगातार आक्रमण करते जा रहे थे, तब कहा कि राजा जी शहर बसा तो रहे हो एकदम प्लेन के अंदर आके, कोई आके मराठे कभी आगे लूट के चले जाएंगे। सवाई जयसिंह ने कहा इसका चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, मराठों से पहरेदारी मैं कर लूंगा।
और मराठों से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए एक किला बनाया गया नाहरगढ़, इसे जयपुर का पहरेदार कहा जाता है, गार्ड है जयपुर का। आज भी जब आप जयपुर के किसी भी कोने पर खड़े होकर देखेंगे तो नाहरगढ़ अपनी शानदार आभा के साथ आपको दिखाई देगा। आप नाहरगढ़ की किसी भी जगह जाकर खड़े होंगे तो नीचे सुंदर सा एक शहर जयपुर दिखाई देगा आपको, तो जयपुर का पहरेदार है। भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे जयपुर वाले, इसलिए पहले इस किले का नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के नाम पर, लेकिन बाद में एक सैनिक यहां पर लड़ते हुए शहीद हुए थे, नारसिंह जी। हम अक्सर कहते हैं कि वे सैनिक जो भूमि के लिए लड़ते हुए मारे जाते थे, हम उनको धोखने लग जाते थे, हम उनको भौमियोसा महाराज कहते, जो भौम के लिए लड़ता हुआ मारा गया, शहीद थे। और उस नारसिंह जी भौमियोसा के नाम पर बाद में इसका नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया गया था। हम जब किला पढ़ेंगे और बात करेंगे, पर याद रहे कि मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए बनाया गया था। का शहर बसाया तो उसके अंदर राजा के लिए एक महल होना चाहिए रहने के लिए। राजा कहाँ पर रहेगा, तो राजा के लिए चंद्र महल बनाया गया, चंद्र पैलेस बनाया गया, इसे अब हम सिटी पैलेस भी कहते हैं। इसी समय एक मानसागर झील में जल महल बनाया गया। झील का नाम याद रखना, कोई पूछेगा कि जयपुर का जल महल है वो कौन सी झील में बना हुआ है, तो मानसागर झील के अंदर ये जल महल बना हुआ है, ये भी याद रहे आपके। नाहरगढ़ का किला है, सवाई जय सिंह ने बनवाया था, आप देख सकते हैं इसमें, ये सिटी पैलेस है। वो बाहर से देखिए आप कितना सुंदर सुंदर दिखाई दे रहा है एकदम, ये जल महल है जो सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था। पानी के बीचों बीच ये जो झील है इसका नाम मानसागर झील है, मानसागर लेक में ये बनाया गया था। अक्सर सुबह सुबह यदि आप कभी जाएं तो वहां पर खूब सारे जोड़े आगे फोटो खिलाते हुए, फोटो खिंचवाते हुए आपको मिल जाते हैं। सुंदर व्यू आता है पीछे की, पहाड़ी, झील, झील के बीच में सुंदर सा एक महल। कहा कि साहब जब आमेर में रहते थे तो आमेर में पानी पहाड़ियों के अपने आप ही पानी आ जाता, लोग उसको स्टोर कर लिया करते थे। जब आप प्लेन के अंदर शहर बसाओगे, पानी कहां से आएगा, लोग पिएंगे क्या? पास में गांव पड़ता था हरमाड़ा, वहां से पूरी कनाल लेके आए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, पेयजल आपूर्ति के लिए। देबारी समझौते में कहा गया कि अमर सिंह सेकंड की रानी चंद्र कंवर की शादी सवाई जय सिंह से की जाएगी और उसका जो भी बेटा होगा आमेर का राजा बनेगा। वो चंद्र कंवर जो कि मेवाड़ के सिसोदिया रानी थे, उनके लिए महल बनाया गया, सिसोदिया रानी का महल। और सबसे खूबसूरत चीज तो ये जंतर मंतर, और एक जगह नहीं, पांच जगह। सबसे पहले दिल्ली, फिर दूसरा जयपुर, तीसरा उज्जैन, फिर वाराणसी या जिसको आप बनारस कहते हो, और फिर मथुरा। जंतर मंतर तो आप देख लो तो आपको लगे कि यार क्या इंटेलिजेंट बंदा था वो। हमें नाम नहीं पता इसका कि जंतर मंतर नाम ऐसा क्यों रखा हुआ है। जंतर मंतर नाम से हमें लगता है कि यहां पे बंगाली जादू सिखाते होंगे, कोई पति को वश में करने के 100 तरीके बंगाली जादू सीखे, इस टाइप की बातें यहां पे कोई जंतर मंतर में करता होगा, दुश्मन को करें धराशाई। पर एग्जैक्टली शब्द यंत्र मंत्र है, यंत्र का मतलब उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, औजार, मंत्र का मतलब गिनती, गणना, काउंटिंग। ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो काउंटिंग करते हैं। पांच जंतर मंतर है, पहला जयपुर वाला है पर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अपने, सॉरी पहला दिल्ली वाला है पर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो है वो अपने वाला है। अपनी राजधानी में राजा जो बनवाएगा वो सबसे अच्छा होगा, सबसे बड़ा होगा। पहले तो जंतर मंत्र की पांच अलग अलग स्थानों पर अवस्थिति ये समझाती है कि उस राजा का कितना नियंत्रण हो गया होगा मुगल साम्राज्य पे, कि उसने मुगलों की राजधानी के ठीक बीचों बीच अपनी बिल्डिंग बनाकर रख दी। राजा अपना जंतर मंत्र है यहां पर। आज भी जयपुर में जिस किसी, दिल्ली में जिस किसी को भी धरना देना होता है वो जंतर मंत्र चला जाता है। दिल्ली में पहले बनाया पर जयपुर वाला सबसे बड़ा है। यंत्र मंत्र जिनको हमने धीरे धीरे भाषा में बदलते बदलते जंतर मंत्र कर दिया,
गणना करने के उपकरण। क्या गणना करने के उपकरण? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर, वायुदाब, गुरुत्वाकर्षण, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, ये जंतर मंतर में है। कई अलग अलग प्रकार के यंत्र, सूर्य घड़ी, चंद्र घड़ी, सम्राट के यंत्र रखा हुआ, जो दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि मिस्र के पिरामिडों में तारों के आधार पर गणना करने वाले उपकरण थे, पर सवाई जयसिंह ने सूर्य के आधार पर गणना करने वाले उपकरण लगवा दिए थे। बड़ी बात नहीं लगती होगी आपको, क्या बड़ी बात हुई इसमें यंत्र लगवा दिए तो, पर आप ये देखिए कि ये समय वो था जब लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जानकारी भी नहीं रखते थे कि होते क्यों है। कुछ एक लोगों के पास ये बातें होती होगी, बाकी साधारणतः जब गांव में पूछ लिया जाता पंडित जी से कि पंडित जी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते क्यों है, तो पंडित जी कहते धरती पे पाप बढ़ जाते हैं ना, तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। तो पंडित जी पाप कम करने के लिए क्या करें, तो पंडित जी कहते दान देने चाहिए। तो पंडित जी दान किसको दें, तो पंडित जी कहते मेरे को दे दिया करो। आज भी गांव में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय दान देने की परंपरा है। तब एक राजा ने ऐसी मशीनें बनाई जिनके आधार पर अगले 50 साल, ठीक सुन रहे हैं आप, अगले 50 साल तक की खगोलीय घटनाओं की जानकारी मिलती है। आपके नासा की ऑब्जर्वेटरी तो बहुत बाद में बनी है, उससे पहले तो हमारा राजा जयपुर के अंदर ऑब्जर्वेटरी बनाकर चला गया था। सोलर ऑब्जर्वेटरी है, सौर वेधशाला है। अगले 100 साल तक के कैलेंडर हैं चंद्रमा और सूर्य दोनों के आधार पर। इसकी महानता फिर मैं या आप में से कोई करे तो माने या नहीं माने, 2010 में यूनेस्को ने इस बात को स्वीकार किया कि जयपुर के जंतर मंत्र को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाना चाहिए। जयपुर का आमेर का किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, खुद जयपुर की ओल्ड सिटी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जयपुर का जंतर मंतर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किसी शहर के 2 टूरिस्ट पैलेस, एक खुद शहर, रोचक है वाकई जयपुर। मैं जंतर मंतर के बारे में खूब सारी बातें आपको और बताना चाहता हूं यहां के यंत्रों की, पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें, आप खुद पढ़ें कि जंतर मंतर में कौन कौन से यंत्र हैं। वो सम्राट यंत्र, वो नाड़ी वाला यंत्र, वो जयप्रकाश यंत्र, वो लघु सम्राट यंत्र, वो यंत्र राज, दिग्नतांश उन्तांश यंत्र, उन सब की जानकारियां आप खुद इकट्ठी करें, पता लगाएं। 23 दिसंबर का जो भास्कर न्यूज़पेपर है उसके पेज नंबर 20 पर पूरा जंतर मंतर दिया हुआ है। प्लीज रिक्वेस्ट है, देखना पढ़ना, 100 शब्दों में लिखना बाद में, कि जयपुर के जंतर मंतर पर यदि आपको लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप उस पर 100 शब्द कैसे लिखेंगे। कोशिश करना आप, ये अपनी तरफ से करना, आप नहीं कर पाओ आप बता देना, आपका निर्भीक जुझारू उम्मीदवार हमेशा आपके बीच, मैं बता दूंगा, आप कोशिश करना एक बार, देखना वहां से। सिसोदिया रानी का बाग है, सुंदर, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, जंतर मंतर है, ये यंत्र लगाए हैं इसके अंदर अलग अलग। अब अखबार पढ़ेंगे तो खूब सारे यंत्र आपको मिलेंगे उसमें। यहां तक बंदा रुक नहीं रहा है। साहित्य, नक्षत्रों की एक सारणी तैयार करें, नक्षत्र समझते हो, ग्रह नक्षत्र, राहु केतु जिनकी भी हम बात करते हैं, इनकी एक सारणी तैयार करवाई उस आदमी, 1725 में वो सारणी तैयार करनी शुरू की। जो 33 तक बनती रही, उस सारणी का नाम है जीज मुहम्मद शाही। नक्षत्रों की सारणी है, एस्ट्रोलॉजी की टेबल है एक। मुहम्मद शाह रंगीला उस समय देश का बादशाह था, जीज का मतलब ही नक्षत्र होता है, तो जीज मुहम्मद शाही। मुहम्मद शाह के समय में नक्षत्रों की सारणी थी, इसलिए बुक का नाम जीज मुहम्मद शाही। अलग अलग विद्वान बिठवा के तैयार करो भाई, वो तैयार करो साहब। खुद ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे, इसलिए खुद ने अपने नाम से किताब लिखी, जयसिंह करिका, ज्योतिष की बुक है, एस्ट्रोलॉजी की बुक है, ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष लिटरेचर है।
खूब सारे विद्वान थे दरबार में। एक विद्वान थे पुंडरिक रत्नाकर, मैं इनकी एक बात और बताऊंगा आपको। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी जयसिंह कल्पद्रुम, जयसिंह के दरबार में थे, जयसिंह कल्पद्रुम लिखी। पुंडरिक रत्नाकर का एक बात और बताऊंगा, केवल राम शानदार। एक फ्रेंच बुक हुआ करती थी लगोरिथम, फ्रेंच बुक है याद रखना, इसका संस्कृत में अनुवाद किया था, उस अनुवाद का नाम है अपने विभाग सारणी, ट्रांसलेशन किया था। बंदे को ज्योतिष में नक्षत्रों में इतनी रुचि थी कि अलग अलग विद्वान बिठाए कि दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी ज्योतिष नक्षत्रों की या गणित से संबंधित किताबें उनके ट्रांसलेशन किए जाए। लॉगरिथम का ट्रांसलेशन किया गया विभाग सारिणी के नाम से, केवल राम जी द्वारा किया गया। दरबार में एक और महानतम विद्वान पंडित जगन्नाथ, जिन्होंने रेखा गणित के जो जनक माने जाते हैं, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के जनक जो माने जाते हैं, उनका नाम यूक्लिड था। उस यूक्लिड की जो ज्यामिति की बुक थी, यूक्लिड ज्योमेट्री का संस्कृत अनुवाद किया। रेखा गणित नाम से एक बुक लिखी, संस्कृत अनुवाद किया। दो बुक्स और लिखी, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ दो किताबें और लिखी। एक सिद्धांत सम्राट लिखी जो कि आपके सॉरी एक यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद किया, यूक्लिड विद्वान का नाम है, ज्योमेट्री बुक लिखी थी उसने, उसकी जो बुक है ज्योमेट्री वाली उसका इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेशन किया। दो बुक्स और है, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ नाम करके। नयन चंद्र मुखर्जी, बंगालियों के साथ में शायद ज्यादा लेना देना था, विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली, नयन चंद्र मुखर्जी बंगाली, इन्होंने एक अरबी किताब का संस्कृत में अनुवाद किया। एक अरबी ग्रंथ था उक्कर, अरबी बुक है, इसका संस्कृत में अनुवाद किया। अलग से नाम नहीं है, इतना ही हम पढ़ते हैं कि इन्होंने अनुवाद किया था। आपको लगेगा सर अरबी, फ्रेंच, फारसी, ये इतनी बुक्स लाई कहां से? कहते हैं दो बंदों को स्पेशल इस बात के लिए अपॉइंट किया गया कि मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ, तुम दोनों विदेशों में जाओ और वहां से खूब सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके आओ। हाथ से लिखी गई किताबों को बोलते हैं पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स। और मोहम्मद महरी और मोहम्मद शरीफ वे दो व्यक्ति थे जो विदेशों से खूब सारी पुस्तकों का संकलन करके लौटे और वो किताबें अलग अलग व्यक्तियों से ट्रांसलेशन करवाई गई। पुंडरिक रत्नाकर फ्रेंच बुक लॉगरिथम का विभाग सारिणी नाम से अनुवाद कर देते हैं, पंडित जगन्नाथ यूक्लिड ज्योमेट्री का अनुवाद करते हैं, नयन चंद्र मुखर्जी उक्कर नाम के अरबी ग्रंथ का संस्कृत में अनुवाद करते हैं, बंदा खुद जयसिंह कारिका नाम की बुक लिखता है, तमाम विद्वानों को बिठाकर जीज मोहम्मद शाही लिखवाता है। पुंडरिक रत्नाकर जो थे वो आपके जीज सॉरी आपके जयसिंह कल्पद्रुम लिखते हैं। रुकने वाला नहीं आदमी। चित्रकला, एक विभाग बनाया चित्रकला के लिए, डिपार्टमेंट जिसका नाम था सूरत खाना। सूरत नाम से आप समझ जाओगे चेहरे। मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि जयपुर में चित्रों के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसे क्या कहा जाता था, एक डिपार्टमेंट बनाया गया था इसे क्या कहा जाता था, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? उस डिपार्टमेंट का नाम था सूरत खाना। ये सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था। स्थापत्य कला, साहित्य, दरबारी विद्वान, पेंटिंग, यहां रुकने वाला आदमी नहीं। सामाजिक सुधार, आपने पहले किसी राजा के नहीं पढ़े होंगे, यही आदमी है जो सामाजिक सुधार सोशल रिफॉर्म कर रहा है। सती प्रथा पर नियंत्रण, भारत में सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 में, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल में सेक्शन 17 के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को बैन करता है। उससे 100 साल पहले हमारे जयपुर का राजा सती प्रथा को कंट्रोल कर रहा था। लोग कहेंगे साहब अंग्रेजों ने आकर सुधार किए,
हाँ ज्यादा तौर पर हम नहीं कर पाए, अंग्रेजों को भी इस बात का हम पूरा क्रेडिट देते हैं, उन्होंने ही किए थे इस मामले में, बहुत भले लोग थे वो, पर हमें इसमें सवाई जयसिंह को नहीं भूलना चाहिए। मुझे अब भी याद आता है कि पिछली जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी उसमें यह भी क्वेश्चन था कि सती प्रथा पर कंट्रोल करने वाला राजस्थान का राजा कौन था, तो सवाई जयसिंह था। बाल विवाह पर नियंत्रण किया, भारत में बाल विवाह पर कानून बनाया 1929 जब अजमेर के हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित किया गया था। एक राजा उससे 200 साल पहले ये सब बातें कर रहा था। और ये चीज तो मैं जब देखता हूं तो लगता है यार वाकई क्या बंदा था यार, अपने समय से कितना आगे सोचने वाला था। वो इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दे रहा था, इनको प्रमोट कर रहा था। मैं कहता हूं आज भी घर वालों को कोई जाके कह दे कि मुझे इंटरकास्ट मैरिज करनी है तो सूंत के रख दे, चमड़ी छोल ले ऊपर ऊपर से। 300 साल पहले एक आदमी ऐसी बातें किया करता था। अभी हम पढ़ेंगे कि सवाई जयसिंह ने 1740 में एक अश्वमेध यज्ञ करवा दिया था। जब यज्ञ करवाने लगे तो यज्ञ करे कौन, ब्राह्मण। तमाम भारत के बड़े बड़े ब्राह्मण बुलाए गए और कहा गया कि पंडित जी यज्ञ शुरू कीजिए, और पंडित जी मुकर गए। पंडित जी ने कहा हम साथ नहीं बैठेंगे, हमारे में कोई त्रिवेदी है, कोई वो दिव्यवेदी है, कोई चतुर्वेदी है, इसने दो ही वेद पढ़े, इसने तीन पढ़े, मैंने चार पढ़े, इसके बराबर कैसे बैठ जाऊं। उसने उनमें समझौता कराया, पंडित जी पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद ऐसी बातें करते हो, जब आपसे भेदभाव को नहीं खत्म कर पाओगे तो समाज का बाकी भेदभाव तो खत्म होगा ही कैसे, समाज का भेदभाव भी खत्म नहीं होगा तो अंतरजातीय विवाह तो बहुत दूर की बात है। उन तमाम ब्राह्मणों को एक साथ बिठाकर जिमाया। आज भी आप हर शहरों में 6 न्याति ब्राह्मण महासंघ पढ़ लेते हैं, 6 न्याति ब्राह्मण बना के सवाई जयसिंह गया था। वे 6 ब्राह्मण जो वहां पर बैठ गए थे उनके नाम पर 6 न्याति है। न्यात, न्यात मतलब अपने कहते हैं जाति, गांव में नहीं बोल न्यात बार कर दियो। तो ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को कंट्रोल किया, समाप्त किया, एबोलिश। और देखिए आप समय से कितना आगे सोचने वाला आदमी है कि उसे उस समय पता था, आज से 300 साल पहले पता था कि ये बाबे जीते भी हैं जो ब्याह नहीं करते हैं, इनका सिस्टम गड़बड़ है। एक बार ये संन्यास धारण तो कर लिया जाता है पर संयम ब्रह्मचर्य हर किसी के बस की बात नहीं है। वो प्राचीन युग के हमारे ऋषियों की कंट्रोल की क्षमताएं या जो संयम की भावनाएं थी वो अब इस कलयुग में बची नहीं है। छोटी उम्र में ये सब धारण तो कर लिए जाते हैं गैरवे वस्त्र, पर बाद में ये नैतिक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। इसने खूब सारे साधु संतों को समझाया कोई बात नहीं, अब साधु बन के समाज के लिए काम करते हो पर ब्याह कर लो, सही है। तो साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया इनको, और बाकायदा मथुरा के पास में गांव बसा के दिया था, बिरागपुरा, बिरागियों के रहने का गांव, तो बिरागपुरा है। भारत में विधवा विवाह के लिए कानून आया था 1856 जब लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था, विडो रीमैरिज एक्ट पारित किया गया था। उसके 125 साल पहले कोई व्यक्ति यही प्रयास कर रहा था। इतने बड़े तौर पर मैंने सोशल रिफॉर्म किसी राजा के नहीं देखे। अक्सर राजतंत्रों की इस बात के लिए हम बुराइयां करते हैं कि वो अपने पुरातन पंथी चोगे को उतार नहीं पाए थे। वो अपने में जो भी ये कमियां थी उस समय के समाज की जो कमियां थी उनको दूर नहीं कर पाए, इवन उनसे ऊपर नहीं उठ पाए, वो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को ढोते ही रहे थे। इसलिए हमारे सुधार बाद में आगे अंग्रेजों ने किए, पहले ये सुधार नहीं हुए थे। तब देखा जाना चाहिए कि एक राजा कितने अलग अलग डायमेंशन के सुधार करके गया था। हालांकि फिर कोई इतिहासकार आगे लिख देता है कि सवाई जयसिंह ने प्रयास जरूर किए थे लेकिन ये प्रयास उसके समय में फलीभूत नहीं हो पाए, उसने केवल प्रयास किए थे बाकी जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाए थे। तब उन इतिहासकारों को पूछा जाना चाहिए कि अब भी बाल विवाह को
रोकने के लिए कानून बने हुए 100 साल हो चुके हैं, अब की एजुकेशन उस समय की एजुकेशन से सैकड़ों गुना आगे पहुंच चुकी है, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता और कानून का नियंत्रण और संचार और आवागमन के साधनों की बहुलता सब कुछ समाप्त कर सकती है, पर फिर भी आखा तीज वाले दिन अखबार में ये पटावा क्यों पड़ा रहता है कि थाली में बैठकर बच्ची के फेरे करवाए गए, बालिका वधु और बालम छोटो सो जैसे खूब सारे फोटो हम क्यों देख लेते हैं। खूब सारी चीजें समय के साथ धीरे धीरे दूर होती है, पर किसी व्यक्ति ने ऐसे प्रयास किए हो तो हम इतने कृतघ्न नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है कि उस व्यक्ति को इस बात के लिए ट्रिब्यूट नहीं दे पाए। मुझे लगता है हमारी लोकतांत्रिक सरकारों ने भी उस व्यक्ति के इस एहसानों को, उस जयपुर की सुंदरता को हमेशा स्वीकार किया। जयपुर के ठीक बीचों बीच स्टैचू सर्किल पर उस राजराजेश्वर महाराजा सवाई जयसिंह की तस्वीर लगी हुई है, उसे इन बातों के लिए याद किया जाना चाहिए। वो मुगलों के लिए लड़ा या मराठों के खिलाफ लड़ा, इन सब बातों से इतर यदि मुझे कोई कहे कि मैं सवाई जयसिंह को किस रूप में याद रखना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा कि जयपुर जैसा सुंदर शहर और उसके सामाजिक सुधार उसकी तमाम गलतियों उसके तमाम भूलों को नजरअंदाज करने के लिए काफी है। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि उसने एक तोप रखवाई थी, जयगढ़ के किले में एक तोप रखवाई थी जो उसी के नाम पर जय बाण कहलाती है। हालांकि शुरुआत में इसका नाम था जय अग्नि यंत्र, यंत्र उपकरण है, तोप का गोला जाता है अग्नि निकलती है, तो जय द्वारा बनाया गया अग्नि का यंत्र जय अग्नि यंत्र, इसे धीरे धीरे हमने जय बाण कहना शुरू कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ही बार ये तोप चलाई गई थी और इसका गोला चाकसू जाकर पड़ा था और वहां पर तालाब बन गया था। कितनी सच्ची कितनी झूठी बात पता नहीं, पर क्यों दंतियों के अंदर ये कहानी जरूर है। जय बाण, यदि आप आज भी आते हो तो जयगढ़ किले के अंदर शान से खड़ी और अक्सर लोग उसके आगे फोटो खिंचाते हुए मिल जाएंगे, वो जय बाण तोप है। ये गोविंद देव जी का मंदिर है, गौड़ीय संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर, गौड़ीय संप्रदाय जब आप मिडिवल पढ़ोगे तो और पढ़ोगे, चैतन्य महाप्रभु का बंगाल में प्रारंभ किया गया है गौड़ीय संप्रदाय, गोविंद देव जी का मंदिर बहुत सुंदर मंदिर। जिस प्रकार जयपुर उदयपुर के राजा खुद को एकलिंगदी का दीवान मानते थे, उसी प्रकार जयपुर के राजा खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। जयपुर के राजा कहते कि राजा हम नहीं है, राजा गोविंद देव जी है। मैंने किसी भी स्थान के देवता के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं देखी जितनी गोविंद देव जी के मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा देखने को मिलती है। पूरा जयपुर ढूंढता है वहां पर, सुबह सुबह 4 बजे आपको सड़कों पर लोग मिल जाएंगे जो पिछले 40 साल से लगातार पैदल 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके डेली वहां पहुंचते हैं। इवन यदि आप कभी गोविंद देव जी के जाते हो तो गोविंद देव जी के आप जहां पे खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े हो, सकता है आपके पास में जयपुर के SP खड़े हो, उसके आगे जयपुर के IG खड़े हो, उसके आगे जयपुर का SDM खड़ा हो, उसके आगे जयपुर का संभागीय आयुक्त खड़ा हो, तो जयपुर आता है वो गोविंद देव जी के धोक लगा के जाता है। मैं खुद कभी चला के मंदिर जाने की कभी मन में नहीं आती, ये नहीं कहूं कि नास्तिक हूं, आस्तिक हूं, पूरी तरीके से विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, पर यूं कभी मंदिर जाने के लिए भी नहीं आती। मुझे लगता है हृदय में भगवान है, घर के अंदर छोटा मोटा अपन ने पूजा स्थल अपना बना रखा है, जी में आई तो कभी अगरबत्ती कर ली, कभी नवरात्रों में मंगलवार को नहीं आई तो नहीं की, तो भगवान के बाहर से हाथ जोड़ लिए कि भगवान राजी है अपने कर्मों से। पर मेरा गोविंद देव जी के जाने के अक्सर मन करता है, मुझे लगता है कि गोविंद देव जी जयपुर के देवता नहीं है, गोविंद देव जी जयपुर के राजा है। इसलिए आप कभी भी यदि जयपुर आए तो गोविंद देव जी जरूर जाके आना, मंदिर के लिए भगवान के लिए मत जाके आना, इसलिए जाके आना कि जयपुर का राजा वो जयपुर की रक्षा करता है, जो जयपुर आता है जयपुर रहता है उसे गोविंद देव जी के प्रति हमेशा श्रद्धान्वित होना चाहिए। तो ये गोविंद देव जी का मंदिर है, गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ है, और जयपुर के राजा खुद को कहते थे कि राजा हम नहीं, राजा गोविंद देव जी। चंद्रमहल में जहां पर राजा के रहने का कक्ष था उसे ठीक सामने गोविंद देव जी है। राजा ने कहा कि सुबह उठूं तो गोविंद देव जी दिखने चाहिए, बिना गोविंद देव जी के कोई कार्य नहीं किया जाएगा। एक बात और लास्ट बात, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, पर कोई नहीं, अब इतनी अच्छी बातें हैं तो ये झेला जाना चाहिए। अक्सर आपके दिमाग में भी होगा कि सवाई जयसिंह ने एक यज्ञ करवाया था अश्वमेध यज्ञ। आप और मैं ज्यादातर लोग जानते हैं कि
वैसे तो मैंने कभी पहले ही बताया होगा कि मेध, मेध का मतलब यज्ञ होता है, तो हम जब इसको अश्वमेध यज्ञ और लगा देते हैं आगे तो हम डबल कर देते हैं यज्ञ, ये अश्वमेध ही होना चाहिए। उसने अश्वमेध का आयोजन करवाया था, अश्व का मतलब घोड़ा, मेध का मतलब यज्ञ, ऐसा यज्ञ जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। राजा यज्ञ के दौरान अपना घोड़ा छोड़ देता है और घोड़ा जिन जिन जगहों से होकर गुजरेगा वो सारी टेरिटरी उस राजा की मान ली जाएगी। यदि कोई घोड़े को पकड़ने की गुस्ताखी करेगा तो राजा को उसके साथ में युद्ध करना पड़ेगा। हमने और नहीं तो भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ सुना पढ़ा, रामायण के अंदर देखा है जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जो वाल्मीकि के आश्रम में भगवान राम के दो पुत्र जो कि वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए माँ सीता के साथ में पले बढ़े जन्मे थे, लव कुश उन दोनों द्वारा वो घोड़ा पकड़ लिया जाता है। तमाम राज्यों, पर्वतों, पहाड़ियों, नदियों की सीमाएं लांघ कर पहुंचा वो घोड़ा उन दो बालकों द्वारा वहां पर पकड़ लिया गया और कालांतर में जब उसे छुड़वाने के लिए भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे महारथी और हनुमान, सुग्रीव जैसे वो महाबलशाली वानर भी गए थे तो उनको दोनों बालकों ने भगा भगा कर मारा था, पर अश्वमेध का घोड़ा नहीं दिया था। भगवान राम स्वयं युद्ध करने के लिए पहुंचे थे तो वो शायद उस युद्ध में भगवान राम को हरा देते लवकुश, जब उनकी मम्मी सीता ने आगे बीच में उनको रोका, रखा मूर्खों क्या कर रही है तुम्हारे पापा, उनका है पापा है, थोड़ी देर नहीं आती तो हम पापा को बता देते हम क्या कर सकते हैं, पापा को चप्पले हाथ में लेके भागना पड़ता। हम उस अश्वमेध यज्ञ की बात कर चुके, सवाई जयसिंह को लगता था कि वो भगवान राम के बेटे कुश के वंशज हैं, वो कुशवाहा है, वो रघुवंश तिलक है, इसलिए उन्हें भी ऐसा ही एक यज्ञ करवाना चाहिए, और क्यों ना लगे, जो राजा मुगलों का इतना बड़ा राजा बन गया था कि मुगलों को उसे मालवा देने पर विवश होना पड़ता था, जो राजा मराठों से टक्कर लेता है, जो भरतपुर में बताता है कि कौन राजा बनेगा और कौन नहीं बनेगा, जो बूंदी में यह तय करके आता है, जो जयपुर बीकानेर के बीच के विवाद सुलझाता है, जो मराठों के खिलाफ उरड़ा सम्मेलन बुलवाता है, जो खुद के बाहुबल से राजा बनता है, जो इतनी ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज रखता है, वो अश्वमेध नहीं करवाए तो कौन करवाए। कहा गया पुंडरिक रत्नाकर को कि महाराज अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाए। पुंडरिक रत्नाकर इसके पुरोहित थे। तमाम बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े विद्वान बुलाए गए कि आपको यज्ञ संपादन करना चाहिए। वो जितने भी ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे उन सब के ठहरने की व्यवस्था उसी जल महल में की गई थी जिसकी फोटो हम मानसागर झील में देख रहे थे। उस जल महल में अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के अरेंजमेंट किए गए थे, कौन से होटल में रुकेंगे साहब, इस लक पैलेस में ठहराए जाए। यहां एक बड़ी जोरदार सी बात है, अक्सर मेरा राजस्थान जीके में रुझान तब से हो गया था जब मैं तैयारी भी नहीं करने लगा था, मजे आते थे। मेरे आसपास में कोई बड़े भाई, कोई दोस्त यदि तैयारी करते हैं, मैं उनकी किताबें लेके पढ़ लिया करता, उनसे सुनता, और वो अक्सर मुझे बताते कि 1740 में सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जो किसी भी हिंदू राजा द्वारा करवाया गया अंतिम यज्ञ है, उसके बाद में कभी भारत में अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ। पर वो जैसे ही कहते अश्वमेध यज्ञ करवाया तो मेरा सवाल उनसे होता कि फिर यज्ञ का घोड़ा कहां कहां गया था, कौन कौन से राज्यों से निकला था, और यदि कई राज्यों से निकला होगा तो वो सारे राज्य सवाई जयसिंह की टेरिटरी में आ गए होंगे, और यदि किसी ने घोड़ा पकड़ा होगा तो सवाई जयसिंह के साथ उसका युद्ध हुआ होगा, तो कौन कौन से छत्र से जहां से सवाई जयसिंह का घोड़ा गुजर गया था, किसने उस घोड़े को पकड़ा था, किस राज्य के साथ लड़ाई हुई, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, भरतपुर। और मेरे उन दोस्तों के पास कभी उसका जवाब नहीं होता, उनको कहता यार ये तो नहीं पता, बुक के अंदर लिखा हुआ है कि दीप सिंह कुंभानी ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था, कि दीप सिंह कुंभानी यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेता है। तब अगला सवाल होता कि दीप सिंह कुंभानी कहां का राजा है, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था कि दीप सिंह कुंभानी कहां का राजा है। मेरे दिमाग में कुचर नहीं रहती, और सबसे ज्यादा तो मेरे दिमाग में यह रहता कि क्या सवाई जयसिंह के यज्ञ का घोड़ा अपने बीकानेर की तरफ आया था, और यदि बीकानेर की तरफ आया तो अपने बीकानेर में इतना बेलखना और लिचड़ राजा कौन रहा था जिसने यज्ञ के घोड़े को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्या अपने वाला प्रदेश तो वीरों से इतना रहित तो हो गया था कि एक राजा के घोड़े की लगाम को ना थाम सके, कोई उत्तर नहीं थे। एक दिन कहीं राजस्थानी साहित्य की एक लक्ष्मीकौरी चुंडावत की बुक पढ़ रहा था, और उसमें कहानी पढ़ी अश्वमेध स्वांग, स्वांग मतलब नाटक, और उस दिन पता चला कि यज्ञ में तो बड़ा जोरदार नाटक हुआ। यज्ञ संपन्न हुआ और जब घोड़ा छोड़ने की बारी आई तब लोगों ने सवाई जयसिंह को जाकर समझाया कि घोड़ा छोड़ मत देना, क्यों का अभय सिंह सांबर के पास में आके बैठा हुआ है,
जोधपुर वाला, दांत किटकिटा रहा है वो तुम पे कि घोड़ा आए और मैं इसको पकड़ के यहाँ पे सवाई जयसिंह से युद्ध करूं। उधर मेवाड़ वाला जगत सिंह सेकंड मालपुरा के बाहर आके बैठा हुआ है, बड़ी रियासतें हैं, लड़ेंगे तो एक दूसरे को कमजोर कर बैठेंगे, इसमें तेरा घाटा उनका कुछ नहीं जाता, इसलिए प्लीज युद्ध को टालिए। जब हम मराठों से लड़ने की सोगने खाते हैं और अब आपस में लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो गए, वो भी एक ऐसी घटना के कारण, तो कहां पर यज्ञ की परंपरा कहती है कि घोड़ा छोड़ा जाना चाहिए? तो घोड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करेंगे? तो किसी पंडित जी ने आगे कान में धीरे से कहा कि ऐसा कर लो, क्या कर लिया जाए? जयपुर का पुराना शहर चारों तरफ से गेट से बंद होता है, सांगानेरी गेट, घाट गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, किशन पोल, चांद पोल, अलग अलग दरवाजे बने हुए हैं जो जयपुर को बंद करते हैं, का दरवाजे बंद करके घोड़े को छोड़ दिया जाए। नाटक पूरा किया गया, जयपुर के दरवाजे बंद किए गए और घोड़े को छोड़ दिया गया, बाकायदा आगे घोड़ा पीछे सवाई जयसिंह हाथी पर सवार, साथ में सेना, अपनी चतुरंगिणी सेना जिसमें हाथी घोड़े पैदल असवार तीर भाले बंदूक के तमाम तरह के साधन, बाकायदा एक आदमी पीछे से हरकारे के रूप में आवाज लगाता हुआ चल रहा कि महाराज सवाई जयसिंह राजराजेश्वर, जयपुर महाराजा का अश्वमेध घोड़ा जा रहा है, जो कोई इसे पकड़ने की कोशिश करेगा उसे महाराज सवाई जयसिंह से युद्ध करना पड़ेगा। पर पकड़े कौन तुम्हारे राज्य में? घोड़ा तुम्हारे राज्य में चक्कर काट रहा है, राज्य छोड़िए शहर में चक्कर काट रहा है। घोड़ा जाए अजमेरी गेट बंद, घोड़ा इधर मुड़ जाए, घाट गेट बंद, घोड़ा इधर मुड़ जाए, आगे जाए घोड़ा इधर मुड़ जाए। वो जो पीछे सेना चल रही थी उसमें सवाई जयसिंह के दो चार पीढ़ी दूर का एक और कछवाहा सैनिक दीप सिंह कुंभाणी, कुंभाणी कछवाहों की कोई शाखा थी, वो अपने परिवार के 20-25 लोगों के साथ राजा के सैनिक के रूप में लेफ्ट राइट करता हुआ आगे बढ़े, पर उसका दिल कचोटे, यार क्या दिन आ गए हैं कि घोड़े को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। राजा निबड़ा हो गया होगा लोगों के कहने पर, घोड़े को बाहर नहीं निकाल रहा, निकाल देता तो क्या होता, युद्ध होते, युद्ध में क्या होता, मर जाते या हार जाते, इससे ज्यादा तो कुछ होना नहीं था। भगवान राम के वंशजों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा शहर के अंदर घूम के रह जाएगा और कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। उसे खुद के कछवाहा होने पर इस बात की लज्जा महसूस हुई, उसे लगा कि कुछ के वंशज होना आज गर्व की बात नहीं है जब कोई घोड़े को पकड़ नहीं पा रहा है। कहते घूमते घूमते जब उसका खुद का घर आया तो दीप सिंह कुंभाणी अपने भाई बंधुओं के साथ तब तक राय कर चुका था, वो घोड़े की लगाम पकड़कर अपनी हवेली में घुस जाता है। लोगों को लगा अपना ही सैनिक बाहर कैसे जा रहा है, पकड़ा उसको, कान लेके जा रहा है, घोड़े को प्यास भी नहीं लगी अभी तो आगे पानी पिला लेंगे। उसने कहा मैं तुम सबको पानी पिला दूंगा, मंग तो शर्म नहीं आई रे। राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजा किसी ने कहा घोड़ा अंदर अंदर छोड़ दो, तुम सब उसके पीछे डमरू बजाते हुए घूम और रहे हो, और मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया। क्या कर रहे थे, जो कोई महाराज सवाई जयसिंह का घोड़ा पकड़ लेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा, लो कर लो मैं तैयार हूं। लोगों ने समझाया कि 25 आदमियों ले देगा एक परिवार के सारे सलट जाओगे, राजा इतना बड़ा है क्या मिलेगा इसमें तुम्हें? उसने कहा कई बार बात मिलने की नहीं होती है, बात यह है कि यज्ञ की मर्यादा रहनी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि सैकड़ों साल बाद कोई लोग इस बात को याद करे कि सवाई जयसिंह का यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, कोई उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, कोई ये ना कह पाए कि उस दिन ये धरा जो वीर भोग्या वसुंधरा कही जाती है वो वीरों से रहित हो गई थी और कोई वीर उस घोड़े की लगाम को नहीं थाम सका था। और तुम कहते हो क्या मिल जाएगा, मैं कहता हूं एक दिन 2020 में भी ऑनलाइन आरएस की तैयारी करने वाले बच्चे मेरे नाम को याद करेंगे कि दीप सिंह कुंभाणी ने उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था। वो बहादुर कुंभाणी अपने 25 परिवारजनों के साथ लड़ता हुआ मारा गया, पर उसने अश्वमेध यज्ञ की मर्यादा रख ली थी। कुछ ऐसा था वो अश्वमेध का स्वांग, वो अश्वमेध का नाटक जो 1740 में निभाया गया था। खूब लंबा वीडियो हो गया आज, पूरे 2 घंटे का ही हो गया, सुनना आप, मुझे लगता है जयपुर के बारे में बात इससे बड़ा भी होता तो आपको सुन लेना चाहिए था। थैंक यू, अगली क्लास में फिर मिलेंगे।